देश में ओबीसी समाज के लोगों ने बाबा साहब को अपना नेता ना मान करके उन्होंने गांधी को अपना नेता मान लिया और तब से साथियों की प्रॉब्लम चलती आ रही है, जबकि बाबा साहब ने इस प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व करने का प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद छोड़ा गया खाने के लिए। तो जो मजबूत घोड़ा था उसने कमजोर घोड़े में दुलत्ती मारी, पैर मारे, मार मार कर उनको दूर कर दिया, भगा दिया, लहूलुहान कर दिया। अब कुछ ही जो मजबूत घोड़े थे वो 100 किलो चने को खा गए। सम्मानित साथियों, ये संविधान है, इसको आप लोग जानते होंगे। ये जो है आपके आर्टिकल 395 में और जो इसके पार्ट्स हैं, जो इसके भाग हैं वो 22 हैं, और आर्टिकल 395 है। और साथियों सेक्शन में आर्टिकल में बेसिक अंतर ये होता है कि सेक्शन को कम बढ़ती किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल को, अनुच्छेद को कम बढ़ती नहीं किया जा सकता है। तो इनमें आप अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, आर्टिकल 368 के तहत आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 395 ही रहेंगे, उसको कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। आप रिपीट भी कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, लेकिन काटे हुए को जोड़े हुए को आपको बताना होगा, लेकिन आर्टिकल 395 ही एज इट इज बने रहेंगे। और जिस समय ये संविधान बनाया था उस समय इसमें 6 शेड्यूल्स थी, लेकिन उसको अमेंडमेंट करके अब 12 शेड्यूल इसमें हो चुकी है। तो आपका पूरा जो भारत देश का जो संविधान है वो भाग 4 में आर्टिकल 395 में और शेड्यूल सूची 12 में इस समय आपका वर्तमान में ये फटा हुआ है। सब साथियों, सबसे पहले इतिहास से आगे किसी चीज को जानना बहुत जरूरी होता है, तो आरक्षण का इतिहास सम्मानित साथियों हम आपके बीच में रखते हैं। साथियों, हम जब आरक्षण का इतिहास के बारे में जानकारी करते हैं तो यहाँ पे साथियों सबसे पहले पॉइंट जो है यहाँ से थोड़ा सा उस समय से अपनी बात शुरू करते हैं जिस समय से अंग्रेज उस समय देश के अंदर शासन का उनका प्रोग्राम चल रहा था, तो तब से लोग अपनी बात शुरू करते हैं। 1811 में ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश जो जिसके हम अधीन थे उस समय, उसने भारत में शासन करने का मन बनाया। उससे पहले भारत में शासन करने का मन ब्रिटिश कंपनी का नहीं था, वो केवल व्यापार करने के पर्पज से आई थी। लेकिन जब वो यहाँ पर रहती रही, यहाँ पे चलती रही, तो भारत का एक बहुत बड़ा एक माहौल सा होता है कि यहाँ पर जो आता है वो यहाँ पर बन करके रह जाता है, प्रयास करता है कि यहाँ पर कंटिन्यू रहे। तमाम लोग यहाँ पे आए, आर्य आए, हूँ आए, कुषाण आए, मंगोल आए, फ्रांसीसी आए, जर्मन आए, पुर्तगाल आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, तमाम लोग आए और सभी लोगों ने यहाँ पे आकर के बसने का प्रोग्राम बनाया। तो जैसे 1620 उसमें जब ब्रिटिश कंपनी इधर आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उस समय उनका मन नहीं था, वो व्यापार करने के पर्पज से आए थे। लेकिन 1811 में उनके अंदर मन बना कि हमको भारत में शासन करना चाहिए। साथियों, जब उन्होंने कि इनके मन बनने की बात आई तो इनको उन्होंने सोचा कि हमें देश में अगर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है, सरकार को चलाना है, व्यवस्था को चलाना है, तो हमको यहाँ पर क्लर्क की बहुत जरूरत पड़ेगी, और क्लर्क लोग जो है वो वहाँ से नहीं आ पाएंगे अपने देश से, वो भारत से ही हमको एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो उन्होंने फिर जो है मन बनाया, तो जब देखा कि भारत देश की 98% जनसंख्या अनपढ़ थी, वो उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को टोटल नहीं था, 50% आप वो काट सकते हो और आप लोग समझ सकते हो, तो उनका मन नहीं था। तो उन्होंने 1813 में राइट टू एजुकेशन दिया। सम्मानित साथियों, 1813 में सबसे पहले अंग्रेजों ने राइट टू एजुकेशन, पढ़ने का अधिकार भारत के लोगों को दिया, क्योंकि उनको जरूरत थी पढ़े लिखे लोगों की। और साथ सम्मानित साथियों, पढ़ाई के साथ साथ एक सबसे बड़ी चीज ये आई, राइट टू एजुकेशन का मामला तो था ही था, उससे बड़ी चीज ये थी कि उन्होंने अपनी जो अपनी वेस्टर्न कल्चर की जो एजुकेशन थी उसको ये लोग भारत में लेकर के आए। तो राइट टू एजुकेशन के साथ साथ में वेस्टर्न जो जिस पढ़ाई को हम आज पढ़ते हैं उस प्रकार की पढ़ाई की उन्होंने शुरुआत करी। सम्मानित साथियों, ये 1813 में उन्होंने ये बात शुरुआत करी। साथियों उसके बाद में सम्मानित साथियों 1813 के बाद ये दौर चलता रहा। उसके बाद भी ये महसूस हुआ कि भारत देश के अंदर हमने शिक्षा का अधिकार तो दे दिया, लेकिन पॉपुलेशन फिर भी अनपढ़ क्यों है, बहुत बड़ी मात्रा में साथी समझ में आई थी। तो उस समय ज्योतिबा फुले जी पैदा हो चुके थे, तो उन्होंने फिर जो है 1882 में अपनी हंटर कमीशन अपॉइंट किया। अंग्रेज लोगों ने, जो अंग्रेज साथी थे जो यहाँ पे शासन करना चाह रहे थे, उन्होंने हंटर कमीशन जो है वो बनाया। साथ इसको नाम
सर विलियम हंटर था, वो कि वो एक इंडियन सिविल सर्विस, जिस प्रकार से आज लोग आईएएस आईपीएस होते हैं, आईएएस लोग जो होते हैं, तो सिविल सर्विसेज के उसको वो ऑफिसर थे, और वो जो है मेंबर थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय। वायसराय वहाँ पर एक सिस्टम होता था जिसके तहत वो लोग रूल करते थे सम्मान साथ, जिसके माध्यम से उसके उस काउंसिल के वो एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, कार्यवाहक के उसमें सदस्य थे, और इनके 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 रिकमेंडेशन पर, इनके रिक्वेस्ट पर सम्मान साथ को हंटर, ये सर विलियम हंटर उनका पूरा नाम था, तो उसको हंटर कमीशन के नाम से जाना गया, और उसको 1882 में जो है उसको सम्मान साथ उसको अपॉइंट किया गया। भारत में ये जाकर के देखने के लिए कि भारत की एजुकेशन क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, जो भारत में लोग एजुकेटेड नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ खास जानकारी उस टाइम तक थी नहीं कि प्रॉब्लम कोई दूसरी है सम्मानित साथी। जी सर, तो उसके बाद में हंटर कमीशन जो है वो फूले साहब के, ज्योतिबा फूले साहब का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनके संपर्क में आता है ये हंटर कमीशन, जो हंटर जो बंदा है ये जो है सर विलियम हंटर जो है ये फूले साहब के संपर्क में आता है। वो दौर उस समय फूले साहब का सोशल मूवमेंट पे चल रहा था, तो फूले साहब ने उनसे कहा, ब्रिटिश इंडिया ने जो आप जो भारत देश को जो अधिकार दिया है, राइट टू एजुकेशन दिया, जो मैंने पहले बताया था 1813 में, उसमें जो राइट टू एजुकेशन दिया है उसको जो है इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, जो मतलब इंडिया जो ब्रिटिश के अधीन था उस समय, वो जो है उस राइट को फॉलो नहीं कर रहा है। एक्चुअल पोजिशन यहाँ पे आकर पता चल पाई सम्मान साथियों, और उसने फिर फूले साहब ने कहा कि देयर शुड बी शेयर ऑफ शूद्रा अति शूद्रा इन द एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने बताया कि शुद्र को और अति शुद्र को, मतलब ओबीसी को और एससी को, एसटी को, जो 85% समाज इसके लिए उन्होंने बाद में बात दिया साहब काशीराम जी ने, उनके बारे में कहा कि भारत के अंदर शूद्र अति शूद्र जो लोग हैं उनका यहाँ पर शेयर नहीं है, यहाँ पर उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर शेयर होना चाहिए। शेयर वर्ड यूज किया था माननीय फूले साहब ने, शेयर वर्ड यूज किया था, ये वाला शेयर जो मैंने आपको बताया, देयर शुड बी शेयर, यहाँ पे एक शेयर होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए। तो उस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया। साथियों मैं बता दूंगा आपको, मैं बहुत ब्रीफ करता हुआ चलूंगा क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी, वरना अगर एक टॉपिक कोई पकड़ेंगे तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। तो हंटर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद में शेयर रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एडमिनिस्ट्रेंस में है। मतलब क्या है, अगर हम हिस्ट्री की बात करें हम रिजर्वेशन की, तो यहाँ से हमारी शुरुआत होती है भारत देश में रिजर्वेशन की, जब हंटर ने एक्सेप्ट कर लिया, और किसके रिक्वेस्ट पे किया, फूले साहब की रिक्वेस्ट, सम्मान साथी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तो तब जाकर के ये साथियों एग्जिस्टेंस में आया, अस्तित्व में आया, तो भाई कुछ होता है। फूले साहब अपने काम पे लगे थे, 1882 में रिपोर्ट सम्मान साथी को चली गई थी, आपको मालूम है। उसके बाद में साहब, तो फूले साहब ने छत्रपति साहू जी महाराज जी से बात करी, जो कि छत्रपति साहू जी महाराज महाराष्ट्र के अंदर गोरखपुर के राजा थे, वो बहुत इंप्रेस थे फूले साहब के आंदोलन से, जो सत्य शोधक जो समाज उन्होंने स्थापना की थी, वो बहुत उससे इंप्रेस थे राजा होने के बावजूद भी। सम्मानित साथियों, उन्होंने उनसे बात करी कि मैंने हंटर से, मैंने हंटर कमीशन को जो है मैंने तैयार कर लिया है रिजर्वेशन के लिए, शेयर के लिए। तो सम्मानित साथियों, उन्होंने फिर जो है 26 जुलाई 1902 में उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने क्षेत्र में 50% आरक्षण लागू कर दिया, मतलब शेयर लागू कर दिया कि इन लोगों का कुछ 50% जो है शुद्ध समाज के लोगों का, अति शुद्ध समाज के लोगों का, जो गरीब लोग हैं उनका आरक्षण यहाँ पर रहेगा, निम्न बिरादरियों का यहाँ पर रहेगा। इसमें साथ उन्होंने 100 घोड़े और 100 किलो का चना, 100 किलो चना और 100 घोड़ों का यहाँ पर उदाहरण दिया, उसके माध्यम से समझाया पूरे देश के, पूरे अपने क्षेत्र के लोगों को। जैसे अगर कोई, अगर किसी राजा के पास में 100 घोड़े हैं और 100 किलो चना है, उस 100 किलो चने को अगर हम लोग एक जगह इकट्ठा डाल देंगे और 100 के 100 घोड़े को अगर खुला उसमें छोड़ देंगे, उन्होंने एग्जाम्पल दिखाया था सामने लाए, उन्होंने 100 घोड़े छोड़े थे और 100 किलो चना उन्होंने एक जगह डाला था, तो 100 किलो चना चने के लिए 100 घोड़ों को एक साथ छोड़ा गया खाने के लिए, तो जो मजबूत घोड़ा था उसने कमजोर घोड़े में दुरत्ती मारी, पैर मारे, मार मार कर उनको दूर कर दिया, भगा दिया, लहूलुहान कर दिया। अब कुछ ही जो मजबूत घोड़े थे वो 100 किलो चने को खा गए। तो तब उन्होंने समझाया कि देखो ये मजबूत है जिसने उन्होंने कमजोर को लात मार के पीछे कर दिया और सारा चना ये खा गए। फिर उसके बाद उन्होंने एक एक किलो अलग अलग रख करके अलग अलग उसमें घोड़े को रखा, अलग अलग दिया, तो सारे 100 के 100 घोड़ों को एक एक किलो चना उनके हिस्से में आया। तो सम्मान साथियों, उन्होंने बताया कि कमजोर इस प्रकार से इस देश में पिस रहा है, तो हम लोगों को कमजोर को भी शेयर देने की आवश्यकता है, रिप्रेजेंटेशन उसको देने की आवश्यकता है।
तो उसको जब उसको हिस्सा गया उसके पास में, तो वो धीरे धीरे वो जो कमजोर घोड़ा था जो पिट पिट करके दूसरे घोड़े से वो हो रहा था, तो वो भी मजबूती की तरफ होने लगा। तो फिर सारे 100 के 100 घोड़े जो है वो मजबूत हो गए सेना के लिए। अगर तुम जो मजबूत है अगर तुम उसको ज्यादा खिला दोगे और ज्यादा खिला दोगे तो उसके अंदर आलस्य आ जाएगा और फिर वो काम करना बंद कर देगा। और जो बहुत कमजोर है उसको अगर उसकी खिलाई पिलाई ठीक से नहीं हो पाएगी, उसको उसका हिस्सा नहीं मिल पाएगा, तो वो मर जाएगा। तो इसी प्रकार से आप जानते हैं इंग्लिश में एक कहावत है कि एक्सिस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज की अगर तुम ज्यादती करोगे तो वो उसके लिए नुकसानदायक होगी सामान्य साथ। तो इस प्रकार से सम्मानित साथी जो उदाहरण देकर के छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने, ये आपको एक कैंटर का पाठ है, ये हमने आपको बताया जिसको साहब काशीराम जी बताया करते थे सम्मानित साथी। उसके बाद साथियों साइमन कमीशन अपॉइंट किया, ये सब घटना चलती रही। 1928 में साइमन कमीशन यहाँ पर अपॉइंट किया, उससे रिपोर्ट मांगी गई कि भाई आप बताओ क्या मामला है, एजुकेशन की क्या प्रॉब्लम है। इस समय तक सम्मानित साथी इस समय पूरे थे, साहू जी के दौर से गुजरे, इस समय तक बाबा साहब आपके बीच में राजनीति में और सामाजिक क्षेत्र में बड़ी पीक पर थे सम्मानित साथी। तो उस समय साइमन कमीशन आया, हालांकि इन लोगों ने उसको बरगलाने का पूरा प्रयास किया, ये देश को बांटने के लिए आया है, लेकिन बाद में जब ये लोगों तक ये खबर पहुंची तो बाबा साहब ने बताया कि ये बांटने के लिए नहीं आया है, ये आपकी एजुकेशन को देखने के लिए आया है, आपके वोट के अधिकार के लिए आपसे बातचीत करने के लिए आया है सम्मानित साहब। तो यहाँ से रिपोर्ट गई, ये बाबा साहब के संपर्क में आए सर जॉन साइमन, ये यहाँ से रिपोर्ट गई, वहां से ओके हो गई कि ठीक है भाई आप लोग अपने अपने समाज की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दीजिए, आप लोग अपने रिप्रेजेंट कीजिए अपने अपने समाज को। तो उसके उस समय 30, 31, 32 में 3 साल तक लगातार बोर्ड में सम्मेलन रहा, पहले में गांधी जी नहीं थे, दूसरे में गांधी जी नहीं थे, वो सोचे थे कि ये सब खत्म हो जाए, लेकिन जब तीसरे में डिसीजन होने जा रहा था तो गांधी जी वहां पर पहुंच चुके थे सम्मानित साथियों, ये बात आपको कुछ लोग जानते हैं। तो गोल में सम्मेलन का वहां पर वो हुआ, वहां पर साथियों ये जब ये चल रहा था सम्मानित साथियों उसी समय तो नवंबर के महीने में जाकर के जो है ये जो है कर्नल अवार्ड अपॉइंट किया अवार्ड किया गया, इसमें डबल वोट का अधिकार सम्मानित साथियों बाबा साहब लेकर के आए थे समाज के लिए, भी जो गरीब समाज है उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए उसको दो वोट का अधिकार उसको मिलना चाहिए, जो पहले और भी माइनॉरिटीज लोगों को मिल चुका था, मुस्लिम समाज के लोगों को, ईसाई लोगों को। तो यहाँ पर जब एससी समाज के लिए लोगों के लिए जब बाबा साहब डबल वोट का अधिकार लेकर के आए तो सम्मानित साथियों गांधी जी और बाबा साहब के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। तो ये साथियों आपको समझने वाली बात है कि जब डबल वोट का मतलब ये था कि एक जो वोटर है जो एससी समाज का जो वोटर है वो दो बार वोट डालेगा, उसको दो वोट का अधिकार होगा, दो प्रकार से वो वोट डालेगा, उसमें सीट थी रिजर्व और अनरिजर्व। तो उसमें 80 सीट जो है वो रिजर्व की गई थी बाबा साहब के द्वारा, जो रिकमेंडेशन जो थी इनकी सर जॉन साइमन की, उसमें वो 80 सीट को रिजर्व किया गया था, उसमें केवल एससी ही खड़ा होता और एससी ही वोट डालता, नॉन एससी उसमें वोट नहीं डालता। जो सीट रिजर्व की गई थी जैसे आजकल की जाती है आप लोग समझ सकते हैं, जो भी सीट रिजर्व की जाती है एमपी एमएलए की, तो उनके अंदर केवल ये नियम था कि एससी ही खड़ा होगा और एससी ही वोट डालेगा, नॉन एससी उसमें वोट नहीं डालेगा सम्मानित साथियों। उससे ये होता तो जो उसका हितैषी होता वही जीत करके जाता, जो एससी समाज का हितैषी होता वही जीत करके जाता, वो सांसद की सीट हुआ करती तो वही जीत करके जाता, और जीतने के बाद सम्मानित साथियों अगर वो काम नहीं करता तो अगली बार उसको एससी समाज के लोग उसको वोट नहीं देते, वो कहते हैं तुमने काम ठीक नहीं किया। लेकिन सम्मानित साथियों गांधी जी अड़ गए, और आप जानते हैं बहुत से लोग जानते हैं इस वोट के अधिकार के लिए गांधी जी ने जो है अपनी जान की बाजी लगाई और कहा कि भाई मैं किसी भी प्रकार से इस वोट के अधिकार को नहीं रहने दूंगा, अगर रिजर्वेशन की बात है तो हम आपको रिजर्व आपको सीट देने देंगे, लेकिन जो है सम्मानित साथियों हम जो है वहां पर आपका सीट तो रिजर्व होगी उसमें एससी खड़ा होगा लेकिन वोट सभी को डालेगा, वोट जो है उसमें नॉन एससी भी डालेगा, गैर दलित एससी भी डालेगा, उसमें सभी लोग उसमें वोट डालेंगे सम्मानित साथियों। तो बाबा साहब ने कहा यह नुकसानदायक होगा, लेकिन गांधी जी ने जान से मारने की समाज को काटने की वैसी तमाम ऐसी धमकियां उन्होंने दे दी तो बाबा साहब को उस समय झुकना पड़ा और सम्मानित साथियों वो डबल वोट का अधिकार छिन गया, लेकिन सीट रिजर्व रही। उस रिजर्व में यह था कि इसमें एससी खड़ा होगा
एससीबी वोट डालेगा और नॉन एससीबी वोट उसमें डालेगा, सभी लोग उसमें वोट डालेंगे। तो तब जाके सामान्य साथियों बाबा साहब ने कहा कि मैं अंग्रेजों से आम का एक टोकरा एक बहुत बड़ा हिस्सा में लेकर के आया था, लेकिन सामान्य साथियों गांधी ने आम का जो जूस था वो पूरा निकाल दिया और गुठली मेरे मुंह पर फेंक करके मार दी। बहुत बाबा साहब हताश हुए थे। तो सामान्य साथियों उसका मतलब ये था जो बाबा साहब जो आरक्षण चाहते थे उसमें बाबा साहब के आरक्षण में वही जीत करके जाता जो समाज का हितैषी होता, लेकिन जो गांधी जी ने जो आरक्षण दिलाया है उसमें वो जीत करके जाएगा जो ऐसे समाज का सबसे बड़ा विरोधी होगा। आपने देखा होगा जितना ज्यादा विरोधी जो ऐसे समाज का होगा, जो जितना उल्टा बोल देगा, उदित राज जैसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, तो आप जानते होंगे अपने अपने क्षेत्र में, वो जितना उल्टा बोलेगा ऐसे समाज का जितना नुकसान चाहेगा उतने ही दूसरे लोग जो है उसको जिता करके दूसरी पार्टी से भेजा करते हैं। अब जो बाबा साहब के समय में ऐसा नहीं हो पाता, अगर उनकी बात चलती तो उसमें ऐसी ही खड़ा होता है, ऐसी ही वोट डालता है। यहाँ पे नॉन एससी जो होता है उसकी संख्या बहुत बड़ी होती है, तो वो देखता है जो एससी का सबसे बड़ा दुश्मन जो विरोधी है उसी को वो वोट डाल करके जिताने का काम करते हैं। तो तब से जाकर के बाबा साहब ने कहा कि अब इस देश में चमचा युग शुरू हो जाएगा। अब ये जो लोग हैं जो गांधी के जो लोग बच्चे बोलते हैं गांधी के हरिजन जो जीत करके जो जाना चाहते हैं उनको चमचागिरी वहां पे जाके करनी पड़ेगी, लेकिन बाबा साहब वाले रिजर्वेशन में चमचागिरी नहीं करनी पड़ती सम्मानित साथी जी। सर तो ये आपके बीच में आया गांधी जी का डबल वोट का अधिकार सम्मानित साथियों। उसके बाद में हम बताएं आपको जब बाबा साहब वोट के अधिकार की वहां पे साथी जब बात कर रहे थे तो गांधी जी क्या चाहते थे वोट के अधिकार के लिए, सभी पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ सम्मानित साथी, इंक्लूडिंग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, मैं सभी लोगों की बात कर रहा हूँ सम्मानित साथी। आपको समझने वाली बात है, ये बहुत ही मार्मिक बात है। जब गांधी जी से जब बातचीत की हुई वहां पर गांधी जी भारत की तरफ से जाते थे, बाबा साहब जाते थे, नेहरू जाते थे, जिन्ना जाते थे, पटेल जाते थे, तमाम ऐसे लोग भारत की तरफ से अपने अपने समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए अंग्रेजों के पास अपने अधिकार मांगने के लिए जाते थे। तो सम्मान साथियों तो ये वोट जो पढ़ाई जो राइट टू वोट की जब बात चल रही थी सम्मान साथियों, तो गांधी जी क्या चाहते थे कि शिक्षित आदमी को वोट का अधिकार मिले, जो माल गुजारी देता हो उसको वोट का अधिकार मिले, जो कर देता हो या तो शिक्षित हो, इसमें या वर्ड जुड़ा हुआ है, या तो शिक्षित हो या फिर वो रेवेन्यू देता हो, माल गुजारी देता हो, जमींदार हो, या फिर वो कर देता हो यानी बिजनेस करता हो। तो आप देखिए कितनी चालाकी से इन्होंने अपनी बात रखी अंग्रेजों के सामने कि मैं ये चाहता हूं कि शिक्षित आदमी को वोट का अधिकार मिले, शिक्षित नहीं है तो उसके पास वो माल गुजारी देता हो, रेवेन्यू देता हो या फिर कर देता हो। इसमें अगर देखा जाए तो शिक्षित का मतलब ब्राह्मण के लिए कहा, माल गुजारी मतलब जमींदार के लिए कहा, क्षत्रिय के लिए कहा जो कि 90% अभी भी अधिकांश जी के पास में, और अगर यहाँ पर कर की बात की जाए, बिजनेसमैन की बात की जाए तो वैश्य के लिए उन्होंने कहा। अगर देखा जाए तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को ही इस देश में वोट का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा गांधी जी ने कहकर के बड़ी चालाकी से अपनी बात सम्मान शक्ति रखी। बाबा साहब ने कहा कि इस प्रकार से ना तो सभी ब्राह्मण पढ़े लिखे हैं, ना सभी क्षत्रिय के पास जमीन है, ना सारे वैश्य व्यापारी हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो 15% 20% जो समाज है इसमें से भी सम्मानित साथियों 15% 10% समाज को वोट का अधिकार नहीं मिल पाएगा। तो बाबा साहब ने कहा कि इस प्रकार से जिस प्रकार से गांधी जी चाहते हैं भारत देश के अंदर, इस प्रकार से केवल 5% लोगों को ही वोट का अधिकार मिल पाएगा और 95% समाज को नहीं मिल पाएगा। उस 95% में गरीब ब्राह्मण, अनपढ़ ब्राह्मण, भूमिहीन क्षत्रिय और बिना पैसे वाला बनिया, ये भी इंक्लूड थे इसके अंदर। 85% और लोग थे और ये लोग थे। तो 5% को ही केवल वोट का अधिकार मिल पाता अकॉर्डिंग टू गांधी जी, यानी कि सारे ब्राह्मणों को, सारे क्षत्रियों को, सारे वैश्यों को भी वोट का अधिकार नहीं मिल पाता अकॉर्डिंग टू गांधी जी। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि 95% लोगों को माय लॉर्ड वोट का अधिकार नहीं मिल पाएगा। अगर 95% लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिल पाएगा तो लोकतंत्र का कोई औचित्य नहीं रहेगा सम्मानित साथियों। उसके बाद ये बात आगे बढ़ी, बाबा साहब की बात को स्वीकार कर लिया गया और सभी लोगों को वोट का अधिकार कॉमनली सबको जनरली मिला।
उसके बाद में सम्मानित साथियों 30-31-32 के दौर की ये बात है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसके बदले में ये सबसे पहला संविधान हमें लोगों ने दिया 1935 में। उसमें सीट रिजर्व कर दी गई एससी एसटी के लिए। ओबीसी ने बाबा साहब को नेता नहीं माना था, गांधी जी को नेता मान लिया था, तो इसलिए इनकी सीट रिजर्व नहीं हो पाई थी। तो और आगे बाकी आपको आगे चर्चाएं मिलेगी, वो हमने हिस्ट्री ऑफ द रिजर्वेशन को हमने बताने का प्रयास किया। अब हम आपके बीच में अगले टॉपिक को लेकर के चलते हैं। आप लोग ध्यान फरमाएं और अपने वीडियो को इसको शेयर भी करते जाएं सम्मानित साथियों, इसलिए क्योंकि बात बहुत आगे जाके बहुत टाइट बात आने वाली है। हम आपको बताएंगे, हमने आपको हिस्ट्री बता दी, हम आपको जो है आरक्षण की बहस को बताएंगे, संविधान सभा में जो आरक्षण पर जो बहस हुई थी उसके बारे में बताएंगे। थोड़ा आगे बढ़ा सारे जरा सर, आपको क्या क्या बताएंगे हम बहस में बताएंगे आप लोगों को संविधान में आरक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है, ये हम आपको बताएंगे सम्मानित साथियों। आरक्षण की ये हम आपको बताएंगे, ये सब चीजें हम आपको बताएंगे, ये संविधान लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल इस हम आपको बताएंगे सम्मानित साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट पीस लेकर के हम आपके बीच में आए हैं ना बंद, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल इसके बारे में हम आपको बताएंगे, संविधान के बारे में बताएंगे, ये हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बीच में अंतर बताएंगे। आप लोग घबराए नहीं, हम आपको एक चीज हम आपको दे दे हम आपको समझाएंगे, बस केवल आप लोग हम उसको देखते रहे, हम लोग को इनको इन पॉइंट्स को हम लोग देखते रहे। कास्ट में और क्लास में क्या बेसिक अंतर है ये हम आपको बीच में समझ सकते हो। हु इज बैकवर्ड, बैकवर्ड कौन है ये हम आप लोगों को बताएंगे सम्मानित साथियों। और जो आपको इस प्रकार से ये हम आपको बताएंगे आरक्षण मौलिक अधिकार है या नहीं, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सम्मानित साथी हम आपको बताएंगे। आरक्षण के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे, इस प्रकार से हम आपको सम्मानित साथी बताते हुए हम आपको निष्कर्ष की तरफ लेकर के जाएंगे। तो ये हम छोटे छोटे पॉइंट हम आपके बीच में 5-5 मिनट के हमने पॉइंट हमने तैयार करे हैं, अगर इसको हम बताएंगे तो फिर काफी लंबा पूरा समझ करके बताएंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखें। ये आ गया। उसके बाद में संविधान सभा के अंदर बाबा साहब ने बहस करी। संविधान सभा में बाबा साहब ने एससी एसटी के साथ साथ पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण की मांग रखी। बाबा साहब ने एससी एसटी के साथियों, संविधान सभा का मतलब है 6 दिसंबर 1946, देश आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 में, और संविधान सभा बनी है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो, 6 दिसंबर 1946 में पहली उसमें मीटिंग होती है सम्मानित साथियों। मतलब देश के आजाद होने से पहले संविधान सभा बनती है, मतलब अंग्रेजों के सहमति से वहां पे संविधान सभा बनी। उसमें बाबा साहब ने अपनी बात रखी और उसमें जो है सम्मानित साथियों एससी एसटी को रिजर्वेशन के साथ साथ उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण की भी बात बाबा साहब ने रखी, लेकिन अन्यों के साथ साथ और लोगों ने भी उसके साथ साथ खुद जो ओबीसी समाज से वल्लभ भाई पटेल थे जो गुजरात के हैं, उन्होंने खुद ओबीसी समाज से अपने ही समाज के लोगों का वर्ग का विरोध किया कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमारे समाज को आरक्षण नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग जानते हैं आज जाट भाइयों को भी आरक्षण चाहिए, गुजर भाइयों को भी चाहिए, वो भी आगे जो है वो बाबा साहब की देन है। पटेल आरक्षण वहां पे चला है, आपके आदिम पटेल ने चलाया है गुजरात में, खुद उन्होंने विरोध किया और बाबा साहब पर उन्होंने विरोध किया। यहाँ पर बाबा साहब हम कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब ने हमने बहुत छोटा किया इसको ब्रीफ किया, बाबा साहब ने आरक्षण के लिए पिछड़े वर्ग के लिए भी बात रखी थी सम्मानित साथी, लेकिन खुद पिछड़े वर्ग के जो नेता लोग थे उन्होंने खुद उनका विरोध किया और आरक्षण को वहां पे लागू होने नहीं दिया। जी सर, उन्होंने पूछा है, ये वल्लभ भाई पटेल पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय अदर बैकवर्ड क्लास, ये कौन है अदर बैकवर्ड क्लास, आप जो अदर बैकवर्ड क्लास की आप बात कर रहे हैं ये कौन है, इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो इसमें हम आप साथियों को बताएंगे, कास्ट वर्सेस क्लास, आफ्टर ए बिग स्ट्रगल, एक बहुत बड़े संघर्ष के बाद बाबा साहब ने कन्वेंस किया उन लोगों को कि चलो अगर आप फिलहाल अगर आप आरक्षण नहीं देते हैं इस पिछड़े वर्ग को बैकवर्ड क्लास को, तो हम लोग जो है आप ऐसा कीजिए, आप भविष्य के लिए जब ये क्लास समझ में आ जाएगी लोगों को तब के लिए आप आर्टिकल 340 को आप लोग की सहमति ली, जो कि भाई आगे जाकर के राष्ट्रपति जो है अपना कोई बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन कौन सी जातियां उसमें आती हैं उनको आप लोग अपने हिसाब से उसके लिए आप कमीशन बनाएंगे और कमीशन बनाने के बाद उनको आप आरक्षण देने का काम करेंगे। तो फ्यूचर के लिए बाबा साहब ने फ्यूचर के लिए आर्टिकल 340 भारत देश के संविधान में सम्मानित साथियों उन्होंने जो है रखने का प्रयास किया और उसको रख ही दिया सम्मानित साथियों। जी सर, आगे देखिए,
आरक्षण की वो हमने बताया पहले, हमने संविधान सभा के अंदर हमने अपनी बात बता दी आपके बीच में, हिस्ट्री हमने हम लोगों ने आपके बीच में बता दी। आरक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है, ये दौर है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। पिछले वर्ष आयोग बाबा साहब ने जो कमिटमेंट किया था हम लोग समाज से, कि उन्होंने आर्टिकल 340 जो बनाया था उसके बाद में कहा कि देश अब आजाद हो गया है, भारत देश में संविधान अपना लागू हो गया, इंडिपेंडेंट सम्मानित साथियों ये बन चुका है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन कीजिए, बाबा साहब ने संविधान सभा में कहा, वो लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि अब आप जो है संविधान जो अब आर्टिकल 340 के तहत आप लोग पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कीजिए। और हिंदू कोड बिल के लिए बाबा साहब ने कहा, दो चीज के लिए कहा, नंबर वन पिछड़ा आयोग, नंबर टू हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए, इसमें हिंदू समाज की सभी महिलाओं के अधिकार की बात थी, उसके बारे में कहा। बाबा साहब ने इस बात को स्वीकार नहीं किया गया, ना तो ये पिछड़ा आयोग बनाया गया, ना इसको लागू करने की बात, ना इसको इसके बारे में बात रखी हुई, तो बिल तो उन्होंने पेश ही कर दिया था। और इसके लिए कहा था कि आप जो है कमीशन आप लोग अपॉइंट कर दीजिए, वो ढूंढ करके लाएंगे कि कैसे कैसे जाते हैं, कौन कौन से कमजोर हैं सम्मानित साथियों। लेकिन बात बाबा साहब की नहीं मानी गई, सब लोगों ने विरोध किया। इस विरोध की वजह से बाबा साहब ने सोचा कि जब मुझको मेरे समाज जो पिछड़ा वर्ग है ओबीसी, जिसमें जाट गुर्जर यादव लोधे कुर्मी पटेल पाल गडरिया बघेल और ये कुम्हार आदि वगैरह जो लोग आते हैं, उन लोगों को अगर ये वोट अगर ये उसको अधिकार नहीं देंगे रिप्रेजेंटेशन का आरक्षण का, तो फिर मेरा और इस महिलाओं के लिए अगर ये मैं नहीं कर पाया तो मेरा मंत्री बने रहने का कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने जो है 91 जाकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया सम्मानित साथियों। उसके बाद में साथियों 1953 में आप जानते होंगे बाबा साहब की बात मानी गई, लेकिन बाद में मानी गई, जिस समय बाबा साहब ने कहा उस समय नहीं मानी गई, जिससे कि समाज में ये मैसेज ना जाए कि भाई ये बाबा साहब ने कराया है। तो बंडल कमीशन भी बना और हिंदू कोड बिल भी पास हुआ, बाद में जो हिंदू लॉज के हिसाब से आप लोग कानून के विद्यार्थी पढ़ते हैं। 1953 में काका कालेकर का कमीशन का गठन किया गया, 1953 में बाबा साहब ने क्या मान्य नहीं किया, दो साल बाद उसको 1953 में उसको गठित किया गया, जिसमें 2218 जातियों को चयनित किया गया, आरक्षण मिलना लगभग तय हो गया, लेकिन नेहरू जी ने उसका विरोध किया, उसके बाद उस आरक्षण को नहीं लेने दिया। 1953 में आपको सब साथियों में आपको बता दिया है। उसके बाद में सम्मानित साथियों 1977 में जनता दल का दौर आता है, आप लोग जानते हैं 1977 में जनता दल का दौर आता है, घोषणा पत्र में वो कहते हैं कि हम आप हमें वोट दो तो हम काका कालेरकर की रिपोर्ट को लागू करेंगे, आरक्षण वाली जो बात मैंने जो पहले कही है उसमें उन्होंने कहा, आपको मालूम है इस समय जो है गांधी उसने इंदिरा गांधी जी ने जो है बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया था जो इमरजेंसी जो लगाई थी, उसके बाद ये लोग बाहर निकले थे, तो इन्होंने अपनी 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 पार्टी बनाई थी जनता दल, तो उसमें ये 1977 में जो है इन्होंने अपना चुनाव लड़ा, उसमें जो घोषणा पत्र में इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने जो है चुनावी घोषणा पत्र में उसने कहा कि हम लोग इसमें बहुत सी चीजों के साथ साथ उन्होंने कहा कि हम काका कालेकर की रिपोर्ट को हम लोग लागू करेंगे, आप हमारी सरकार बनाइए। तो काका कालेकर की रिपोर्ट को लागू करने का मतलब है कि ओबीसी समाज के लोगों से वोट की अपील करना। तो ओबीसी समाज के लोगों ने और समाज के साथ साथ ओबीसी समाज के लोगों ने जनता दल को वोट दिया और मोरारजी देसाई जो है वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन मोरारजी देसाई जब बात हुई उनसे कि आप बताइए आपने ये कहा था कि आप काका कालेकर की रिपोर्ट को आप लोग लागू करेंगे तो अब आपकी सरकार बन गई है तो अब आप इस रिपोर्ट को आप लोग लागू कीजिए, उनके नेताओं ने कहा ओबीसी समाज के लोगों ने। उसके बाद में साथियों रिपोर्ट को पुरानी बता करके देसाई जी ने पल्ला झाड़ लिया, ये कह दिया कि वो पुरानी हो गई है सम्मानित साथियों। अब आप इस बात को समझ सकते हैं मतलब क्या है, पहले नेहरू जी ने मतलब खुद कांग्रेस ने आरक्षण नहीं मिलने दिया ओबीसी समाज के लोगों को, आगे जाकर के खुद हमारे जो है मोरारजी देसाई जी ने जनता दल ने भी आरक्षण नहीं मिलने दिया ओबीसी समाज के लोगों को। साथ ही मैं नहीं कहता ये आपको नेट पे मिल जाएगा, ये फैक्ट्स सारे सारे में हमारी कोई भी बात यहाँ पर अपनी तरफ से लिखी हुई नहीं है, केवल हमने अध्ययन किया है सम्मानित साथियों। तो 1881 में फिर से गांधी जी प्रधानमंत्री बनती है, इंदिरा गांधी जी फिर जब प्रधानमंत्री बनती है मंडल कमीशन बनाया जाता है, मंडल कमीशन ने कहा कि उसको पुरानी हो गई उसको बस्ते बना दिया उन्होंने, लेकिन सब लोग मिले जुले लोग थे सम्मानित साथियों, उन्होंने मंडल कमीशन बनवाता है बनवाया जाता है कि हम लोग नया बनाएंगे, उसको छोड़ो एक नए से सब लोग अपनी रिपोर्ट इकट्ठा करेंगे। उसके उस जो नए जब मंडल कमीशन जो बनाता सम्मानित साथियों उसके अंदर ये 3743 जातियों को चयनित किया गया,
वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, आप लोग जानते हो। इसके बाद में यहां से इसके बाद में वीपी सिंह ये भी बना के चली गई, सत्ता से बाहर हो गई, इतने लोगों की चयनित हो गई। उसके बाद फिर दौर आता है, फिर बदलता है, बलती है, तो 84 में ये वो हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है। वीपी सिंह फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं। मंडल कमीशन को चुनावी घोषणा पत्र में इन्होंने भी शामिल किया था। वीपी सिंह जी ने ये फिर घोषणा पत्र में कहा था कि हम लोग जो है वो करेंगे, ये मंडल कमीशन लागू करेंगे, जैसे मोरारजी देसाई जी ने कहा था, ऐसे ही वीपी सिंह जी ने भी कहा था कि हम मंडल कमीशन को लागू करेंगे, मतलब कि ओबीसी समाज के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। और जो है हम लोग फिर से उन्होंने प्रयास किया कि ओबीसी समाज के वोटों को कैसे लिया जाए, तो साथियों उसमें जो है ओबीसी समाज के लोगों ने वोट दिया। उसके बाद मंडल कमीशन के जो घोषणा जो हुई, उसके बाद उन लोगों ने बातचीत करी, तो गठबंधन की सरकार बनी, नेताओं ने बातचीत करी कि भाई अब आप हमारा मंडल कमीशन को लागू कीजिए। सम्मानित साथियों, आगे का दौर आता है, मैं बहुत शॉर्ट करता हुआ चल रहा हूँ, आप लोग बहुत से लोग जानते हैं। जब गठबंधन की सरकार बनी थी तो बहुत सारे लोग थोड़े थोड़े सांसद जीत करके आए थे, बीजेपी के पास भी अलग सांसद थे, सबके पास अलग थे। गठबंधन की सरकार बनी थी, ये दौर था सम्मानित साथियों, ये साहब कांशीराम के पीक का दौर था। उस समय साहब कांशीराम का काम मूवमेंट बड़े जोर पर था और बड़े देश में वो चल रहा था, साहब कांशीराम जी का नाम। तो सबसे पहले मेजोरिटी की सरकार को उन्होंने हटाया और छोटे छोटे दलों ने मिलकर के सरकार बनाई। तो तब साहब कांशीराम जी ने कहा कि हमें भारत देश को हम लोगों को कमजोर सरकार देनी है, मजबूत सरकार नहीं देनी है, लंगड़ी सरकार देनी है, तगड़ी सरकार नहीं देनी है। कमजोर हमको जिसमें ज्यादा जोड़ होंगे वो समाज की बात को, नेताओं की बात को, समाज की बातों को मानेगा। तो इस समय साथियों 1989 के आसपास की जो बात है उसमें जो है सांसद जो है बीएसपी के 3 जीत करके आए। आपको मालूम है वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय 3 सांसद थे। इन लोगों को इस बात का आभास हो गया था कि बीएसपी का मूवमेंट, ये बहुजन मूवमेंट जो है ये बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि उन्हें बहुजन मतलब ओबीसी समाज भी उसमें साथ था, इनका वोट जो है ये लोग इस्तेमाल करते थे। तो कहीं समझने लगे हैं धीरे धीरे, हमने पहले भी हमने 3-4 बार टरका दिया इन लोगों को, मोरारजी देसाई ने टरका दिया, नेहरू ने टरका दिया, इंदिरा गांधी जी ने टरका दिया, तो इस प्रकार से टरकाते कब तक टरकेंगे। तो उन्होंने जो है सोचा, तो उन्होंने सोचा कि साहब कांशीराम को कैसे मूवमेंट को खत्म किया जाए। तो उस समय 3 सांसद जीत करके आए सम्मानित साथियों बीएसपी के, 3 सांसद के बदले समर्थन के बदले, 3 सांसदों के समर्थन के बदले में साहब कांशीराम जी के पास 3 मंत्रालय का ऑफर आता है। साहब कांशीराम के पास 3 सांसद, 3 सांसद थे, 3 ही मंत्रालय का ऑफर आता है कि आप हमें समर्थन दे दीजिए, हम आपको 3 मंत्रालय देते हैं, जिसमें एक मंत्रालय प्रधानमंत्री के बाद वाला गृह मंत्रालय का भी निमंत्रण आता है, ऑफर आता है कि हम आपको गृह मंत्रालय भी आपको दे देंगे, हम आपकी जो आपके जो शिष्य है बहन कुमारी मायावती जी, उनके बारे में सम्मान छात्रों ने कहा कि हम आपकी जो शिष्य है उनको हम प्रधानमंत्री के बाद में जो सेकंड जो होता है गृह मंत्रालय, हम वो आपको दे देंगे। साहब कांशीराम जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि नहीं, हमें 3 मंत्रालय नहीं चाहिए, हमारी 3 मांगे हैं, उसके बारे में आप सोचो। उसमें 3 शर्तें रखी माननीय साहब कांशीराम जी ने, देखिए आगे क्या कहा। नंबर 1 शर्त साहब कांशीराम जी की, हमें मंत्रालय नहीं चाहिए। देखो 3 सांसद 3 मंत्रालय क्यों दिए जा रहे थे, ये माननीय साहब कांशीराम जी बहुत अच्छी तरह से समझते थे, बहन जी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। तो बाबा साहब को उन्होंने कहा कि हमें तीन बातें आप हमारी मानिए। नंबर 1 बाबा साहब को भारत रत्न दिया जाए, नंबर 2 मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए, और नंबर 3 आडवाणी जी का जो रथ चल रहा है जिससे सांप्रदायिक दंगे बढ़ने के देश में आसार हो रहे हैं, इस रथ को रुकवाया जाए। तो साथियों यहाँ पे इंपोर्टेंट चीज देखिए, उन्होंने 3 साहब के पास 3 सांसद थे, वो 3 मंत्रालय दे रहे थे, लेकिन साहब ने 3 मंत्रालय ना लेकर के 3 शर्त रखी। एक बाबा साहब को भारत रत्न, साथियों ये इंपोर्टेंट चीज थी, समाज की आवश्यकता थी, SC ST के लिए बाबा साहब को भारत रत्न किसके लिए सेटिस्फाई करने के लिए, SC ST के लिए, मंडल कमीशन किसको सेटिस्फाई के लिए, ओबीसी समाज के लोग के लिए, और आडवाणी का रथ मुस्लिम समाज के सेफ्टी के लिए। तो पूरे 85% SC ST के लिए भारत रत्न, ओबीसी के लिए मंडल कमीशन, माइनोरिटीज के लिए रथ रुकवाना, पूरे 85% को कवर माननीय साहब कांशीराम जी ने किया। तो साथियों दबाव था, 3 शर्तें मानी गई, लेकिन सम्मानित साथियों आप जानते हैं
दबाव में लेकर के साहब कांचीराम जी ने मंडल कमीशन लागू करवाया। और ये कहा भी था, मूवमेंट रहता, पुराने साथी हमारे जानते होंगे तो दिल्ली तक भी जाते थे, इसको लेकर के साहब कांचीराम ने नारा चलाया था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये ओबीसी समाज के लोगों के लिए साहब कांचीराम जी ने थोड़ा सा हिस्सा वो दिलवा पाए। तो सम्मानित साथियों, इसका मतलब यह है कि साहब कांचीराम जो है वो बाबा साहब के जो शिष्य थे, जो बाबा साहब जो चाहते थे, उस काम को मान्यवर साहब कांचीराम जी ने करवाने का काम किया। इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है, बीपी सिंह जी का कोई रोल नहीं है, मोरारजी देसाई जी का, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। लेकिन सम्मानित साथियों, जब इसमें ये बात लागू हो गई तो बीजेपी को इस बात का जब पता चला, उसको देखा कि मामला बहुत आगे बढ़ सकता है, कांचीराम साहब की बात मानी जा रही है, तो सम्मानित साथियों बीपी सिंह ने, वो बीजेपी ने अपने सारे सांसदों का समर्थन वापस लिया बीपी सिंह की सरकार से। सारा मंडल कमीशन लागू होने की वजह से सारा अपना समर्थन वापस लिया और बीपी सिंह को प्रधानमंत्री पद से हटाया, उसकी सरकार गिराने का काम किया। हमारे कहने का मतलब यहाँ पर यह है, उधर ना कांग्रेस ने ओबीसी समाज को आरक्षण लागू होने दिया था, इधर ना बीजेपी ने ओबीसी समाज के मंडल कमीशन के रूप में जो ओबीसी समाज को आरक्षण मिला था, ना उसने लागू होने दिया था सम्मानित साथियों, ना उसने समर्थन किया था, उसने विरोध करके बीपी सिंह की सरकार को गिरा करके ये प्रमाणित कर दिया कि साहब कांचीराम जी ठीक कहा करते थे कि एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। तो इस प्रकार से सम्मानित साथियों, लेकिन ओबीसी समाज के लोगों को आरक्षण मिला, दैट वॉज ओनली ड्यू टू मान्यवर साहब कांचीराम एफर्ट्स। तो साथियों, ये हमने आपको बीच में वर्तमान परिस्थिति के बारे में हमने आपको बताया। आगे हम आपको बताते हैं कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू क्या होता है। बहुत आगे अच्छे पॉइंट हम आपके बीच में लेकर के आएंगे। हम संविधान की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो हमें थोड़ी बहुत जानकारी संविधान के बारे में होनी चाहिए। हालांकि आजकल ये जमाना जो है बड़ा एडवांस है, बच्चे अपने यूट्यूब उस पर भी देख लेते हैं, गूगल वगैरह पे, लेकिन फिर भी हम लोग बात कर रहे हैं तो हमको भी थोड़ा सा इस पर फोकस करना पड़ेगा। ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन इज एक्नॉलेज्ड टू बी गवर्न। इसको आप समझ सकते हो, एक ग्रुप, एक संघ, आगे लाओ हिंदी में आप समझाऊंगा, कुछ कुछ उसी संबंधित चीजें, ये उसका हिंदी में है। उन संविधान क्या है, उन लिखित या अलिखित नियमों, लिखित में हो या अलिखित, अलिखित वर्ड क्यों है साथियों, संविधान क्या अलिखित भी होता है, हाँ, जैसा कि ब्रिटिश के अंदर अलिखित संविधान है, वहां पर लिखित नहीं है जैसे हमारे और है, इस प्रकार से वहां इस प्रकार की कोई वहां पर लिखित संविधान नहीं है। तो वहां पर छोटे छोटे उसमें प्रेसिडेंट्स हैं, वहां पर उस हिसाब से वो लोग चलाते हैं, निजी के हिसाब से चलाते हैं। तो लिखित हो या अनलिखित हो, नियमों का तथा कानूनों का समूह है, उनका एक समूह है, उसका एक ग्रुप है, जो पीछे बताया था ग्रुप, जिनके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार का जो संगठन है, जो स्ट्रक्चर है, उसके द्वारा उसके इन समूहों के, इसके इन नियमों के, कानून के समूह के द्वारा सरकार का जो संगठन है, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसकी सरकार की शक्तियां हैं, जो उसकी पावर्स हैं, विभिन्न जो और अंग हैं उनका वितरण करती है और उनकी शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। मतलब इसके द्वारा ही सरकार को समझाया जाता है कि आपको इस प्रकार से अपनी सरकार चलानी है, आप संविधान के विरुद्ध में कोई काम नहीं कर सकते, ये बात संविधान में वर्णित होती है, संविधान की परिभाषा में ये बातें सम्मानित साथियों आती हैं। ये अब आगे आप लोग चलते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा, आप लोग परेशान ना हो, आपको धीरे धीरे आगे बहुत अच्छा इंटरेस्ट आएगा जब हम आपको बताएंगे कि क्या आरक्षण मौलिक अधिकार है या नहीं, जो ब्रिटिश ने क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जिसने अभी अपने डिसीजन दिया है, वो उसके बारे में समझाएंगे, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, हमने पहले संविधान के बारे में बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बता रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। व्हेन ए स्टेट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन दैट टाइम लॉ इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जब कोई भी स्टेट, कोई भी सरकार जब अपने जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन को जब वो फॉलो करती हैं, तो उस समय वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहा जाता है।
जज के द्वारा दिए गए डिसीजन को भी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग ही हम लोग मानते हैं। आगे चलिए, आपको आगे समझ में और अच्छा आएगा, थोड़ी बात टाइट है लेकिन आगे समझ में आएंगे। संविधान और संविधानवाद में यहाँ पे इस वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये मेन पॉइंट है जो हम आपको समझाना चाहते हैं। इज्म कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में यहाँ पे इज्म जुड़ा हुआ है। इज्म का मतलब वाद होता है, वाद का मतलब फिलोसफी होती है, पूरी ताकत उसकी, पूरा उसका कंसिडरेशन जो है वो सारी चीजें उसमें होती है जमाने साथियों। तो इसको आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, संविधान और संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन इज्म, यहां से थोड़ा सा आपको समझ में आएगा जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है सम्मान साथियों। ए स्टेट में हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट नेसेसरीली कॉन्स्टिट्यूशन इज्म। एक स्टेट मतलब एक राज्य मतलब एक देश, यहां पे स्टेट का मतलब होता है देश। एक देश के पास या एक राज्य के पास अपना संविधान हो सकता है, मे बी अपना संविधान हो सकता है, मे वर्ड है यहां पर, सेल नहीं है, तो हो सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर संविधानवाद भी होगा। एक राज्य के पास अपना संविधान हो सकता है ये तो ठीक है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर संविधानवाद भी होगा, ये आपको आगे समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक किसी देश के पास में एग्जाम्पल ए कंट्री विद ए डिक्टेटरशिप, एक कोई देश है जिसके अंदर तानाशाही करने वाला डिक्टेटर है, वो है जिसके जो हिटलर के नाम से जो हम लोग जानते हैं डिक्टेटर है। वेयर द डिक्टेटर्स, वहां पर जहां पर डिक्टेटर है, जिस देश में डिक्टेटरशिप है वहां पर डिक्टेटर की तानाशाह की कोई भी शब्द कानून होता है जवान, क्योंकि जब हम लोग कानून की परिभाषा पढ़ते हैं, लॉ की डेफिनेशन का हम लोग जब पढ़ते हैं, तो आपको ऑस्टिन ने जो सबसे पहले डेफिनेशन दी उसमें बिल्कुल ही बात सटीक उतरती है कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरन दैट बाय सैंक्शन। लॉ मतलब कानून जो है वो शब्द है किसके, प्रभुत्व के, मजबूत आदमी के, हेड के, राजा के, जो शब्द है वो ही कानून है, और उनके पीछे थोड़ी सी हमको सजा लगानी पड़ती है कानून के हिसाब से कि इसमें क्राइम कितने डिग्री का है। तो इस हिसाब से जो है डिक्टेटरशिप, जो डिक्टेटरशिप जहां पर है उसके डिक्टेटर का कोई भी शब्द कानून होगा, केम इन द सेट टू बी हैव टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन, और उस जो डिक्टेटर के जो भी शब्द है वो कानून होगा, और वही कानून संविधान होगा, वही कानून संविधान होगा, बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल इज्म नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, ये आपको आगे हम लोग बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल इज्म होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑट नॉट मेरली टू कन्फर पावर्स टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अगर है तो वहां तक केवल ये बात लागू होती है कि वो कन्फर करता है, कन्फर्म करता है पावर्स को वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, बट आल्सो सीक टू रेस्ट्रेन दोज पावर्स। संविधान का मतलब केवल ये नहीं है कि वो सरकार को, सरकार के विभिन्न अंगों को शक्ति दे सरकार चलाने की, उसको पावर दे। सरकार का मतलब केवल, संविधान का मतलब केवल सरकार को पावर देना नहीं है, बल्कि सरकार का मतलब, माफ कीजिएगा, संविधान का मतलब केवल सरकार को पावर देना नहीं है, बल्कि संविधान का मतलब सरकार की पावर पर रेस्ट्रिक्शन, रोक लगाना भी होना चाहिए। सरकार, संविधान केवल वो नहीं होता है जो राजा को, सरकार को पावर मुहैया कराए, बल्कि ये भी होता है कि वो जो है सरकार की, राजा की शक्तियों पर निरंकुशता बरते, कि कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा अपनी पावर को बढ़ा करके मिसयूज कर ले। ऐसा भी सम्मानित साथियों नहीं होना चाहिए। जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशन मेरली कंफर्म पावर्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जब एंड व्हेन रेस्ट्रेन आल्सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म,
वहन जब संविधान केवल पावर देता है सरकार को, तो तब उस संविधान को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं। लेकिन जब वही संविधान जब रोक लगाता है सरकार की शक्तियों पर, तो तब उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। अगर केवल सरकार को, राजा को संविधान पावर देता है, तब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं। लेकिन जब वही संविधान राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाता है, उसको निरंकुश नहीं छोड़ता है, तो तब उस संविधान को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। इसका मतलब यह है कि पहले वाले में सरकार सुपर होती है, लेकिन बाद वाले में इस समय पे यहां पे संविधान सुपर पावर होता है। ये भारत के अंदर मिलता है आपको। इसलिए भारत के अंदर ना तो रूल ऑफ इंडिविजुअल है, ना रूल ऑफ मेजॉरिटी है, ना रूल ऑफ पार्लियामेंट है, ना रूल ऑफ प्रधानमंत्री है, ना रूल ऑफ राष्ट्रपति है, ना रूल ऑफ लॉ है। यहां पर रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और लॉ, और मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये बेसिक अंतर है साथियों। ये मैंने आपको, हम लोगों ने आपको बताया। लिमिटेशन देता है, लिमिट करता है गवर्नमेंट की पावर्स को संविधान। ऐलान नहीं करता कि वो अनकंट्रोल हो जाए, आर्बिट्रेरी मनमर्जी करने लगे, नहीं। संविधान जहां पर रोकता है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहलाता है वो संविधान। नहीं, बात कर संविधान पावर, गवर्नमेंट को पावर सारी नहीं देता, अनकंट्रोल होने के लिए पावर नहीं देगा, आर्बिट्रेरी मनमर्जी करने के लिए पावर नहीं देगा संविधान। बैलेंस बनाएगा संविधान किसमें, बैलेंस बनाएगा स्टेट और सिटीजन के बीच में, ये आपको बताएगा। ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट है आर्बिट्रेरी पावर, अपनी मनमर्जी करने के बिल्कुल जस्ट अपोजिट है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये साथियों अपने हमने आपको बताया, यहाँ पर रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर रूल ऑफ राष्ट्रपति और रूल ऑफ प्रधानमंत्री नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ब्रिटिश के अंदर जिसने पूरे देश पे, पूरी दुनिया पे जिसने राज किया, वहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दे देता है तो उसको काउंटर करने का अधिकार हाउस ऑफ लॉर्ड के पास होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे यहाँ पर भारत देश के अंदर वो होता है लोकसभा, वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड होता है जो जो डिसॉल्व नहीं हो सकता। इसी प्रकार से भारत के अंदर राज्यसभा होता है, उसमें बड़े बड़े लोग होकर राजा महाराजा लोग उसमें बैठते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, मतलब राज्यसभा ने, हाउस ऑफ लॉर्ड, अगर वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, तो वहां का हाउस ऑफ लॉर्ड का मतलब भारत देश में जैसे राज्यसभा होती है, उसके मेंबर उसको काउंटर कर सकते हैं, गलत साबित कर सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं, सम्मानित साथियों। और लेकिन भारत देश के अंदर अगर कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, तो उसको हाउस ऑफ लॉर्ड का मतलब राज्यसभा उसको काउंटर नहीं कर सकता, उसको केवल संविधान के अकॉर्डिंग ही काउंटर किया जा सकता है। इसका मतलब यहाँ ये पे है कि यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड का शासन नहीं है, राज्यसभा का, राज्यपाल का, प्रधानमंत्री का इनका शासन नहीं है। भारत देश में रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम हियर इन दिस इंडिया। तो साथियों ये संविधानवाद है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है, आगे आपको इससे बहुत फायदा होगा सामान्य साथियों। ये कास्ट और क्लास में ये बेसिक अंतर हमने आपको बताया साथियों, आप लोग जानते होंगे, मैं बिल्कुल छोटा छोटा कर रहा हूँ। यहाँ पर रीति रिवाज, कास्ट जो है इधर का हिस्सा है, ये क्लास का हिस्सा है। यहाँ पर जो है रीति रिवाजों के हिसाब से, धर्म के हिसाब से आप इसको, किसी को स्टैंडर्ड को आप लोग मापते हैं उसके, ये बिल्कुल ये हेरिटरी ग्रुप्स होते हैं, फिक्स रिचुअल स्टेटस होता है इनका, फिक्स रहते हैं ये लोग, इनका जाति के हिसाब से, इनके जन्म के हिसाब से इनके फिक्स रहते हैं कि ये यहीं पर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ये प्रोडक्शन के हिसाब से इनको आंका जाता है क्लास को, किसी को। यहाँ पर जो है देखा जाए तो यहाँ पर जन्म के हिसाब से और यहाँ पर कर्म के हिसाब से। तो ये छात्र हमने आपको बताया, यहाँ पर इकोनॉमी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर इकोनॉमी का कोई संबंध नहीं होता है। जाति के अंदर पैसा होना ना होना उसके स्टैंडर्ड के मापक नहीं होता है, लेकिन क्लास के अंदर पैसे का जो है वो बहुत बड़ा मापक होता है, इकोनॉमी मापक बहुत बड़ी पैमाना होता है। ये जन्म के आधार पर है, कास्ट जो है जन्म के आधार पर निर्धारित होती है, ये यहाँ पर कीमत के हिसाब से वर्थ, ये बर्थ के हिसाब से, ये वर्थ के हिसाब से, ये नॉन चेंजेबल होता है, ये चेंजेबल होता है, ये ऑर्गेनिक होता है, सिमिलरिटी होता है, ये
एक्टिव पॉलिटिकल विलेज फोर्स इन विलेज, यहाँ पर जो है आप विलेज के अंदर आप देख सकते हो जाति को, इसको पूरी तरह से यहाँ पर ये नहीं मिलती है, क्लास नहीं मिलती है यहाँ पर जाति के हिसाब से, यहाँ पर जो है आप पूरे पॉलिटिकल फोर्स जो है वहां पर होती है। अगर देखा जाए तो गांव को, भारत के गांव को एक स्टेट, एक मिनी स्टेट, एक माइनर स्टेट के रूप में हम देख सकते हैं। वहां पर अपनी पूरी की पूरी अपनी कानून बनाने के सिस्टम हुआ करते थे, गांव के अंदर के लोगों को जो मजबूत लोग होते थे उन्हीं के पास में डिसीजन लेने की पावर होती थी, वो एग्जीक्यूट करते थे कि किसको सजा देनी किसको नहीं देनी, वो जुडिशरी का काम करते थे, वो अपना आप डिसाइड करते थे कि भाई किस जाति के आदमी ने किसको क्या किया है, तो उसी के हिसाब से जो है वो दंड देते थे। लेकिन सम्मान साथियों वो सब वायलेट कर दिया गया। आगे हम आपको बताएंगे कि बहुत बड़ा काम बाबा साहब काशीराम बाबा साहब ने किया था, गांव की इस पावर को खत्म किया था। हुईज बैकवर्ड, बैकवर्ड कौन है ये आपको अब अगले चैप्टर में सम्मानित साथियों आप लोगों को बताने का काम करते हैं कि बैकवर्ड कौन है। उसके बाद आगे हम आपको और दो तीन पॉइंट बता करके अपनी बात को समाप्ति की तरफ लेकर के जाएंगे। हम लोग 10-15 मिनट में अपनी बात को सम्मानित साथियों समाप्त करेंगे, क्योंकि हम लोग जब यहां पे बात आरक्षण की कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो हु इज बैकवर्ड, आर्टिकल 15 जो है भारत देश का जो संविधान का जो आर्टिकल है 15 अनुच्छेद 15 का पार्ट जो 4 है उसका क्लॉज, उसमें लिखा हुआ है साथियों ध्यान से आप लोग इसको देखें, इसको इसी में समझ पाएंगे कि हु इज बैकवर्ड। नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 सेल प्रिवेंट द स्टेट, साथियों ध्यान रखें यहां पे सेल वर्ड यूज किया गया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, स्टेट मतलब सरकार, फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यहां पे कहा गया है कि आर्टिकल 15(4) में अनुच्छेद 15 के 4 में ये बात कही गई है, और जगह कुछ भी होते हुए नथिंग इन दिस आर्टिकल, सब कुछ को छोड़ते हुए, जैसे कि आर्टिकल 14 क्या कहता है कि सबको समानता का अधिकार होगा, ये आपको आगे और बताएंगे, लेकिन वो सब कुछ छोड़ते हुए, सारी चीजों को छोड़ते हुए, आर्टिकल 19 आगे के आर्टिकल को भी छोड़ते हुए, पीछे के आर्टिकल्स को भी छोड़ते हुए, ये जो सेक्शन है संविधान के अकॉर्डिंग ये सेल प्रिवेंट नहीं रोकेगा, यहाँ पे नथिंग वर्ड पहले यूज किया गया है तो नहीं रोकेगा, यहाँ पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव फॉर्म इसको हम यूज करेंगे कि नहीं रोक सकता किसको, प्रिवेंट द स्टेट सरकार को, संविधान ये कहता है कि सरकार को ये आर्टिकल नहीं रोकेगा किस काम के लिए बनाने के लिए, कोई भी स्पेशल प्रोविजंस, कोई स्पेशल प्रोविजंस विशेष अधिकार देने के लिए नहीं रोकेगा, किसके लिए, फॉर एडवांसमेंट, किसी का लाभ पहुंचाने के लिए, किसका, उन लोगों का जो लोग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में आते हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। साथियों यहां पे शेड्यूल कास्ट वर्ड यूज किया गया है, यहां पे बैकवर्ड क्लास वर्ड यूज किया गया है, यहां पे कास्टिज यूज किया गया है, यहां पे क्लास वर्ड यूज किया गया है। जो जहां पे शेड्यूल कास्ट की बात आती है इसका मतलब ये वे लोग हैं जिनको सूची में लिपिबद्ध बाबा साहब ने 1932 के समय में कर दिया था, लेकिन जो लोग नहीं हो पाए थे, जिनके लिए आर्टिकल 340 बाबा साहब ने बनवाया था उनके लिए बैकवर्ड क्लास वर्ड यूज किया गया है। लेकिन बैकवर्ड है कौन, जो हम यहाँ पे आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, हु इज बैकवर्ड, बैकवर्ड वे लोग हैं जो लोग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो हु इज बैकवर्ड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15, बैकवर्ड आर दोज पर्संस, दोज सिटीजंस ऑफ इंडिया, दोज आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, सोशली समाज के हिसाब से और शिक्षा के हिसाब से जो लोग पिछड़े हुए हैं, दोज आर कॉल्ड बैकवर्ड क्लास, दोज आर कॉल्ड बैकवर्ड। ये अकॉर्डिंग टू द
आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 15 क्लॉज 4 में ये बात कही गई है। ये हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, आगे आपको ध्यान रखना होगा समझ साथियों। सो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है, जो संविधान में जो आर्टिकल 15(4) में जो पीछे लिखा है सम्मानित साथी, उसमें लिखा है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। पीछे जो लिखा है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड लिखा है, ये नहीं लिखा आइदर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड। ये दोनों चीजें एक साथ हैं, सोशली और एजुकेशनली सामाजिक इससे सामाजिक स्तर में और एजुकेशन स्तर में दोनों में बैकवर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड। ये नहीं कहा कि या तो सामाजिक स्तर पे बैकवर्ड हो या एजुकेशन के हिसाब से बैकवर्ड हो तब वो बैकवर्ड होगा, ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए जाट आरक्षण, सम्मानित साथियों, जाट आरक्षण, गुर्जर आरक्षण, पटेल आरक्षण जो है वे लोग सोशली बैकवर्ड नहीं है। वो लोग अगर देखा जाए तो एजुकेशनली बैकवर्ड थे, तो दोनों में से ये दोनों एक साथ जुड़ करके साथियों यहां इनमें से जो है ये बनता है। तो इसलिए साथियों यहां पर इसी चीज का लाभ जो है इन लोगों ने उठाने का काम किया है कोर्ट के माध्यम से, इस चीज को कि या तो सोशली या एजुकेशनली नहीं, संविधान में कहा गया है ये दोनों एक साथ बैकवर्ड, इन दोनों फील्ड में एक साथ वो बैकवर्ड होना चाहिए तो वो बैकवर्ड में आएगा। ये नहीं कहा कि या तो सोशली हो या फिर एजुकेशनली हो, इस चीज का दुरुपयोग जो है सम्मानित साथियों ये इन लोगों ने कोर्ट के माध्यम से ओबीसी समाज के लिए कहा गया। प्रॉब्लम जब आती है जब कास्ट जो है वो क्लास में हम उसको कैसे बदले, इसके लिए साथियों इसी चक्कर में कि कास्ट और क्लास में अंतर है, इसी बात को लेकर के पिछड़े वर्ग को 60 साल पिछाड़ दिया इन लोगों ने। इस बात को हम आगे साथियों हम आपके बीच में आगे रखते हैं। उसके बाद सम्मानित साथियों ये बात ध्यान रखें कि क्लास और कास्ट का जो प्रॉब्लम जो आई है वो तभी से आई है जब साइमन कमीशन भारत देश में आया था। बाबा साहब की बात को अगर ओबीसी समाज के लोग मान लेते तो ये बैकवर्ड कास्ट उसी समय लिख जाता सम्मानित साथियों। जैसे शेड्यूल कास्ट लिखा, शेड्यूल ट्राइब लिखा, तो ये बैकवर्ड कास्ट लिख जाता, उस समय बैकवर्ड क्लास नहीं रहता। लेकिन इस देश में ओबीसी समाज के लोगों ने बाबा साहब को अपना नेता ना मान करके उन्होंने गांधी को अपना नेता मान लिया और तब से साथियों की प्रॉब्लम चलती आ रही है, जबकि बाबा साहब ने इस प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व करने का प्रयास किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया। जी सर, बैकवर्ड के बारे में, क्लास को कास्ट में पहचान कराने का काम सरकार का होता है, क्लास को कास्ट में पहचान करवाने का जो काम है वो सरकार का होता है। और सरकार ये लोग मतलब ओबीसी समाज के अधिकांश लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ये लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मंदिर के चक्कर में आकर के अपने विरोधी को उनकी सरकार ये लोग बना देते हैं। ये इसको क्लास को कास्ट में, कास्ट को क्लास में, ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने का काम सरकार का होता है और ये अपने हाथ की चीज होती है। हम लोग अपने सरकार जो है उनको वोट देकर के उनकी सरकार हम लोग बना देते हैं, जो साथियों जो आरक्षण की विरोधी है, ओबीसी समाज की विरोधी है, यानी कि कांग्रेस बीजेपी की हम लोग सरकार जो बना देते हैं, जो आरक्षण विरोधी सरकार है, ये उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही है। हमें सरकार उनकी बनानी चाहिए जो पार्टी सरकार की समर्थक है, इसकी आरक्षण की समर्थक है सम्मानित साथियों। अब इसको आगे देखिए, ये लिखा हुआ है उनके किताबों में लिखा हुआ है, हमने नहीं कहा, ये आपको नेट पे मिल जाएगा। बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट देखो कैसे बदलता है, बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट हैड मेंशन कास्ट एज वन ऑफ द रेलिवेंट फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग सोशल बैकवर्डनेस। सोशल बैकवर्डनेस सामाजिक पिछड़ेपन के लिए कास्ट जो है रेलिवेंट फैक्टर है, कास्ट के हिसाब से ही हम किसी के बैकवर्डनेस को मान सकते हैं, आंक सकते हैं। इट वॉज सेड बाई सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ बालाजी केस, ये बात उन्होंने खुद कही है कि हाँ कास्ट ही क्लास के हिसाब से है, अगर वो कास्ट में बैकवर्डनेस है तो उसी को हम बैकवर्ड क्लास मान सकते हैं। समाज
राजेंद्र केस में, ये वंचू जो चीफ जस्टिस थे इसमें सुप्रीम कोर्ट में, इसमें ये बात में कही है, ये जज साहब थे यहाँ पर, ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये बात कहते हैं, अपनी पॉइंट आउट करते हैं, इफ क्या यहाँ पे समझिए, इफ द रिलेशन द रिजर्वेशन इन क्वेश्चन हैड बीन बेस्ड ओनली ऑन कास्ट एंड हैड नॉट टेकन इनटू अकाउंट द सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ द कास्ट इन क्वेश्चन इट वुड बी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15(4). साथ ही समझने की बात है, खुद कोर्ट ने कहा है बालाजी केस में, जज ने कहा, ये नाम है इसको आप निकाल सकते हो नेट पर, उन्होंने कहा है कि जहां तक रिजर्वेशन की बात है, बैकवर्ड जहां तक कि उसकी रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन क्वेश्चन का मतलब होता है जहां तक रिजर्वेशन की बात है जो कि बेस्ड है केवल कास्ट पर, केवल कास्ट पर वो बेस्ड होगा, इसका मतलब अगर उसको हम संज्ञान में लेते हैं तो अगर वो कास्ट सोशली अनएजुकेशनली बैकवर्ड है, अगर कोई कास्ट, कोई भी कास्ट जैसे कुमार है, लोहार है, लोधी है, और भी जो बिरादरियां हैं इस प्रकार की, अगर वो पूरी कास्ट जाट पूजा यादव जो जितने भी हैं, अगर वो कास्ट सोशली और बैक एजुकेशनली बैकवर्डनेस उसके अंदर है, उस जाति के अंदर अगर है, और उसके बावजूद भी तुम उस कास्ट को बैकवर्ड कास्ट में, बैकवर्ड क्लास के स्थान पर बैकवर्ड कास्ट में अगर आप उसे कन्वर्ट नहीं करते हैं तो ये जो है आर्टिकल 15 का वायलेशन होगा। टाइट है लेकिन थोड़ा आराम से आप लोग सुने। उन्होंने कहा है जज साहब ने इसमें, जहां तक रिजर्वेशन की बात है, अगर कोई जात पिछड़ी हुई है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड पिछड़ी हुई है, और अगर उस जाति को हम लोग जैसे मान लो कुमार जाति है, वो सोशली और एजुकेशनली पिछड़ी हुई है, उस जाति को हम लोग बैकवर्ड क्लास में नहीं रखते हैं, उसको रिजर्वेशन नहीं देते हैं, तो ये इस आर्टिकल का विरोध होगा, ये संविधान के खिलाफ होगा, ये खुद कोर्ट जज साहब ने कहा है। आगे आप लोग उसको रिपीट करके फिर से देख सकते हैं कभी सम्मान साहब। बट आगे बताया, उसी ने बताया, बट इट मस्ट नॉट बी फॉरगॉटन दैट ए कास्ट इज आल्सो ए क्लास। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि कास्ट इज आल्सो ए क्लास ऑफ सिटीजन्स, एंड इफ द कास्ट एज ए होल, साथियों ध्यान से देखें इसको, एज इफ द कास्ट एज ए होल इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, रिजर्वेशन कैन बी मेड इन द फेवर ऑफ सच ए कास्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट इज ए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 15(4). इन बात ये साथ ही ये बात यहां पर कहीं इसको समझना ही आपके लिए बहुत जरूरी है। हम यहां पे बताने का प्रयास करें कि हु इज बैकवर्ड, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट बोल रहा है साथियों, जिसको लोगों ने बाद में बदलते रहते हैं ये लोग सम्मान साथियों। उसने कहा है, सब बात बोलते हुए हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अगर कोई कास्ट जो है उसकी जो है वो सिटीजन्स जो है वो उसकी कोई भी कास्ट पूरी की पूरी बिरादरी, अगर किसी सिटीजन्स की पूरी बिरादरी, पूरी की पूरी जाति सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, अगर कोई एक जाति उसके कुछ सदस्य नहीं, पूरी जाति ज्यादातर अधिकांश सभी लोग, किसी एक जाति के अगर सभी लोग एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है, पूरी जाति एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है, तो तब उस जाति को ये मानते हुए कि वो पूरी की पूरी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में आती है। बैकवर्ड क्लास में आने के लिए क्लास कोई अलग चीज नहीं है, जाति ही उसके लिए बैकवर्ड क्लास को आप बैकवर्ड कास्ट के रूप में यूज कर सकते हो आप लोग। ये बात बताने का प्रयास किया जज साहब ने कि अगर कोई एक जाति पूरी की पूरी एजुकेशनली और
सो सलीब बैकवर्ड है, तो उस पूरी जाति को बैकवर्ड क्लास में मानते हुए उसको जो है रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उस जाति में से थोड़े से लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, बाकी लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, या ज्यादा को दिया जाएगा, कम को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, पूरी जाति को यह मानते हुए कि अगर पूरी की पूरी वो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है तो इसी आधार पर पूरी जाति को रिजर्वेशन दिया जा सकता है, ये बात कोर्ट ने कही है। जी साथियों, ये सब बातें आपको हमने बताया कि बैकवर्ड बैकवर्ड क्लास का मतलब बैकवर्ड कास्ट ही है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इस बात को आपको मानना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने इसको टरकाने का काम किया है, क्योंकि सब उन्हीं का मामला है। हमने हुज बैकवर्ड साथियों हमने आपको बताने का प्रयास किया। अब 5-10 मिनट में हम लोग अपनी बात को समाप्ति की तरफ सम्मान साथियों लेकर के जाएंगे। ये मेन मुद्दा है जिसको लेकर के हम लोग आपके बीच में तक पहुंचे हैं। ये साथियों बहुत चल रहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार है या नहीं, इस बात को साथियों आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगी अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो। तो सम्मानित साथियों इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देकर के सुने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आरक्षण मौलिक अधिकार है या नहीं, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, और हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये मौलिक अधिकार है और इन्हीं के अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे साथियों, अपनी बात नहीं करेंगे हम लोग, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग प्रूफ करेंगे कि संविधान मौलिक अधिकार है, वो आरक्षण मौलिक अधिकार है, इस बात को हम इन्हीं के अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे साथियों। ध्यान से देखना आप लोग, संविधान जो है वो अंग्रेजी में लिखा गया है, सबसे नंबर वन बात। हिंदी में इन लोगों ने ट्रांसलेट किया है, संविधान में अंग्रेजी में लिखा है राइट टू इक्वालिटी, जो आपका जो पार्ट 3 है भारत देश के संविधान का, पार्ट 3 है उसमें जो चैप्टर है, सब चैप्टर जो है उसमें जो पार्ट में जो चैप्टर है राइट टू इक्वालिटी, जो कि रन करता है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, ये राइट टू इक्वालिटी के सारे आर्टिकल्स हैं, वो जो है उसमें राइट टू इक्वालिटी लिखा हुआ है। इंग्लिश में बना था, उसमें राइट टू इक्वालिटी लिखा हुआ है, जिसका अर्थ हिंदी में बनता है समता के लिए अधिकार। राइट टू इक्वालिटी का मतलब समता का अधिकार नहीं बनता, राइट टू इक्वालिटी हिंदी में जो लिखा हुआ है उसका मतलब समता का अधिकार नहीं बनता। इंग्लिश में राइट टू इक्वालिटी का हिंदी में जो शब्द बनता है वो समता के लिए अधिकार बनता है, समता का अधिकार नहीं, समता के लिए अधिकार साथियों यहां पर ये बनता है। आगे समझ में आएगी ये बात हमने यहां पे क्यों रखी। अगर यहां पे होता समता का अधिकार तो फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता था रिजर्वेशन, क्योंकि समता का अधिकार मतलब है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को बराबर माना जाएगा, जैसा जो है उसको वैसा ही बराबर माना जाएगा, दिस इज द मीनिंग ऑफ समता का अधिकार। लेकिन सबको बराबर किया जाएगा ये समता के लिए अधिकार है, इसका जो असली मीनिंग है उसका मतलब ये नहीं है कि सबको बराबर समझा जाएगा, ये नहीं है, बल्कि ये है कि सबको बराबर किया जाएगा। अगर इसका मतलब होता है कि सबको बराबर माना जाएगा तो मौलिक अधिकार आरक्षण नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब है सबको बराबर किया जाएगा, ये समता के लिए अधिकार संविधान देता है। के लिए का मतलब सरकार को कुछ करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है, ये संविधान करता है, ये बात जब होती है तो तब ये आरक्षण मौलिक अधिकार के रूप से जाना जाता है। तो ये राइट टू इक्वल, जैसे
बाबा साहब ने लिखा टू एजुकेट, टू यूनाइट, टू एजिटेट, टू वर्ड उन्होंने इंग्लिश में यूज किया, मतलब करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये तो हमने अपने हिसाब से बनाया, लेकिन टू एजुकेट का मतलब तो होता है शिक्षित करो, करने के लिए, टू करने के लिए बना, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो, बाद में तो करो आपने यूज किया है उसमें, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, जब संघर्ष करने की आप बात करते हैं तो टू एजिटेट की बात करते हैं, तो यहां पर करने के लिए बोला है, समान करो, समान मानो, ये नहीं, ऐसे तो कोई गरीब है, एक अमीर है, कोई ऊंची जाति का है, कोई नीची जाति का है, दोनों को हमने समान मान लिया, ये नहीं कहा संविधान ने, दोनों को समान करो। अगर आप लोग यहां पे समझ सकते हैं, आर्टिकल 14 को अगर हम लोग देखते हैं सम्मानित साथियों, उसमें चीज आती है, यहाँ पे हम लोग इसको लिखा नहीं है, लेकिन एक चीज आती है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो ये जो आपका जो है, ये राइट टू, इसमें राइट टू इक्वालिटी में सबसे पहले जो आर्टिकल 14 आता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, पर्सन वर्ड यूज किया गया है, सिटीजन वर्ड यूज नहीं किया गया है, पर्सन का मतलब विदेशी आदमी भी हो सकता है, उसके साथ में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष अधिक समान, कानून के सामने सब लोग समान होंगे, उसके साथ साथ समान कानून सबको समान रूप से प्रोटेक्शन देगा, जो कमजोर है उसको ऊंचा उठाने का काम करेगा, ये बात जो है इसमें कही गई है। साथ में थोड़ा टाइट है लेकिन ये लीगल मामला है, आप समझ सकते हैं ये संविधान का मामला है, लेकिन फिर भी मैं आपको जितना हो सके उतना डाउन आकर के मैं उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो साथियों, उसने कहा है कि समता के लिए अधिकार दिए जाते हैं, सभी को समान करने के लिए अधिकार भारत के संविधान में दिए जाते हैं इन अनुच्छेद के अंतर्गत। गवर्नमेंट इज इंस्ट्रक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश द इक्वालिटी इन द सोसाइटी एज ए होल, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, निर्देशित किया जाता है, किसके द्वारा, इस आर्टिकल के द्वारा, इस संविधान के द्वारा, कि आप जो है इस्टैब्लिश करेंगे इक्वालिटी, पूरी समाज के अंदर आप समानता का इस्टैब्लिशमेंट करेंगे, ये मतलब काम करने के लिए बोला है, मानने के लिए नहीं बोला कि आप सबको बराबर मानो, ये नहीं, बराबर तो मानो, इक्वालिटी बिफोर लॉ बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो आर्टिकल 14 में इस बारे में कहा गया है सम्मानित साथी, इसमें ये कहा गया है कि आपको सबको समान मानना है, जो अगर समान नहीं है तो उनको समान करना है, उनको बराबर करना है, इस काम के लिए संविधान ने गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया है, इसलिए सम्मानित साथियों ये आप आगे इसको समझ सकते हैं। साथियों, उसका हमने पीछे जो बताया उसका रेलिवेंसी आपको यहां पर मिलेगी। आरक्षण का जिक्र भाग 3 में है, अगर आर्टिकल 15 4 को हम बात करते हैं, 15 4 16 4 333 से 332 और 340, ये आरक्षण से संबंधित आर्टिकल्स हैं, नौकरी के लिए, एजुकेशन के लिए, वुमेन के लिए, चाइल्ड के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, पॉलिटिकल के लिए, 30 31 32 पॉलिटिकल के लिए, 340 ओबीसी के लिए, ये सब सारे के सारे आरक्षण से संबंधित साथियों ये आर्टिकल्स हैं। तो फंडामेंटल राइट जो है भारत का, जो संविधान का जो है, वो 3 जो भाग हिस्सा है, FR का मतलब फंडामेंटल राइट, वो जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक रन करता है। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, आर्टिकल 13 के बारे में साथियों मैं आप लोगों को बताऊंगा, 12 के बारे में आपको बताया, यहाँ पे जिक्र किया गया है इसका, ये इसको साथियों आप लोग ध्यान से यहाँ पे सुनने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, आप ध्यान से सुनिए साथियों। आरक्षण का जिक्र, साथियों आरक्षण का जो जिक्र है वो भाग 3 15 भाग 3 फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15 से लेकर के वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक चलता है। तो आर्टिकल 15 4 ये 15 आर्टिकल 16 आर्टिकल पार्ट 3 में आते हैं। पार्ट आरक्षण का जिक्र
पार्ट थ्री में ना होकर के पार्ट फोर में होता। पार्ट फोर जो है इसका मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये बात हिंदी में भाग चार है। भाग तीन में, भाग चार में एक बेसिक अंतर है। भाग तीन का कोई भी अधिकार अगर तुम्हारा वायलेट होता है, उसको खंडन होता है, उसका उसका यूज नहीं होता है, विरोध होता है, आपका यूज नहीं, आपका कोई विरोध करता है, टूट जाता है आपका अधिकार, तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेक्शन आर्टिकल 32 एंड 226, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। अगर आपके इस हिस्से का आप इसको देख सकते हैं अपने नेट पर, इस पार्ट तीन के किसी भी आर्टिकल का कोई भी वायलेशन होता है किसी भी नागरिक का, तो इसके खिलाफ आप लोग, स्टेट के खिलाफ आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर इसका पार्ट फोर का कोई भी आपका अधिकार, जैसे कि सरकार सड़क बनाएगी, ये इसमें लिखा हुआ है, सरकार विकास करेगी, सरकार ये देगी, सरकार वो देगी, नौकरी देगी, वो देगी, ये आपका इसमें लिखा हुआ है, अगर ये सरकार नहीं करती है तो तब भी आप कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ये फंडामेंटल राइट है, इसमें जो है अनुच्छेद 12 जो जो शुरू होता है उसमें सबसे पहले स्टेट के बारे में बताया, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्टेट के अंगेंस्ट होते हैं, राजा के विपरीत होते हैं, ये राजा के पक्ष के होते हैं, इसकी राजा की मर्जी है, लेकिन ये राजा की मर्जी नहीं है, ये राजा के खिलाफ होते हैं ये अधिकार सम्मान साथियों। इसलिए कर राजा का जिक्र किया, स्टेट का जिक्र किया यहां का सेक्शन उसमें आर्टिकल 12 के अंदर सम्मान साथियों। तो इसलिए अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं होता, अगर आर्टिकल 15 आरक्षण जो है फंडामेंटल राइट नहीं होता, तो फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में लिखा हुआ नहीं होता। ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। फंडामेंटल राइट वाले एफआर, फंडामेंटल राइट पार्ट थ्री के फंडामेंटल राइट में आरक्षण का जिक्र होना ही इस बात को प्रमाणित करता है कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कहां से बोल रहा है, जज कहां से बोल रहे हैं, किस प्रकार से ये लोग खिल्ली उड़ा रहे हैं देशों में, हमारे देश में, विदेशों के लोग सोचेंगे यार ये कैसे जज बन गए, तो वो कॉलेजियम का चक्कर है, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं सम्मानित साथियों। तो इसलिए मैं बहस करने के लिए इसके लिए तैयार हूं कि फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में, मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में, आर्टिकल 15 में, 4 में आरक्षण का जिक्र करना ही, और इस हिस्से में जिक्र नहीं करना, इसमें जिक्र नहीं करना। अगर ये फंडामेंटल राइट नहीं होता, अपने सरकार की अपनी मर्जी होती, वो देता या नहीं देता, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार नागरिक के पास नहीं होता, तो उसका जिक्र इस वाले पार्ट 4 में होता। लेकिन पार्ट थ्री में, मैं फिर बोल रहा हूं, पार्ट थ्री में आरक्षण का वर्णित करना, उसका जिक्र ही नहीं, वर्णित करना, उसको वहां पे रखना, तो फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में, मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में आरक्षण की बात को रखना ही इस बात को प्रूफ करता है कि ये आरक्षण एक मौलिक अधिकार है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके अकॉर्डिंग सम्मानित साथियों ये बनता है, वरना इसका जिक्र नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए आर्टिकल 21A, ए फॉर अमेंडमेंट, वो भी अमेंडमेंट था, ये भी अमेंडमेंट है सम्मानित साथियों। अनुच्छेद 21, ये राइट टू लाइफ से संबंधित, ये आपको जीने का अधिकार है, क्यों, फंडामेंटल राइट है। पहले जो ये था, ये राइट टू एजुकेशन बना, पहले ये पार्ट फोर में था, सरकार नागरिकों को पढ़ाएगी, ये बात इसमें लिखी हुई थी, पार्ट फोर में लिखी हुई थी, नीति निर्देशक तत्व में लिखी हुई थी कि वो पढ़ाएगी, नहीं पढ़ाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कि फंडामेंटल राइट नहीं है। पहले ये जब यहां पर लिखा हुआ था, तो इसके लिए सरकार
कोई ये सरकार के खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते थे। लेकिन यहां से उठा करके आर्टिकल 39 से शायद लगभग से उसको उठा करके आर्टिकल 21 ए में लाया, राइट टू लाइफ के साथ राइट टू एजुकेशन जोड़ा। तो जब ये राइट टू एजुकेशन जब यहां पर था डीपीएसपी एसपी में था तो तब ये फंडामेंटल राइट नहीं था, लेकिन जब इस राइट टू एजुकेशन को यहां से उठा करके आर्टिकल 21 इस भाग में लाया गया तो तभी से इस राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के रूप में इस देश में माना गया। साथियों ये बेसिक उदाहरण मैंने आपको दिया है, आप इसको समझ सकते हैं। ज्यादा जोर दूंगा तो समझ ज्यादा हो जाएगा, हमको अपनी बात को हमको ब्रीफ करनी है, नहीं पिछड़े को सर। भाग 3 में इसका जिक्र है स्टेट का, ये हमने आपको बताया जिससे वो खिलाफ है। ये साथियों समझने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है जिसको आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूं सम्मानित साथियों। इसको अगर आप लोग समझ गए तो तब आप समझ जाएंगे कि ये कितनी बड़ी चीज साथियों बाबा साहब ने संविधान सभा में बोली। इसमें पूरा पूरा बाबा साहब का जो दिखता है पूरा चेहरा आपको इसमें दिखाई देगा, जिसके आधार पर नेहरू जी ने बात कही थी। आर्टिकल 13 प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अल्टर वर्स क्लॉज आर वाइड, साथियों इसमें कहा है, देखिए आप लोग इसको सुनिए ध्यान से, मैं आपको बताऊंगा, आप इसको समझ लो आप लोग। इसमें कहा है ऐसा कोई भी कानून, ध्यान से सुने, कोई भी कानून जो भारत देश के संविधान के पार्ट 3, मुझे देखो, ऐसा कोई भी कानून प्री कॉन्स्टिट्यूशन एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, प्री एंड पोस्ट का मतलब होता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आप प्रीपेड करते हैं पोस्ट पेड करते हैं अपने पैसे लगवाते हैं फोन के अंदर प्रीपेड पोस्ट पेड, तो उसको पहले पेड करना अब बाद में पेड करना, प्री कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से पहले का ऐसा कोई भी कानून, साथियों ध्यान से देखिए निकल जाएगी ये बात, संविधान से पहले का ऐसा कोई भी कानून जो भारत देश के संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट के किसी भी अनुच्छेद का, किसी भी पूरे की जरूरत नहीं है, किसी भी अनुच्छेद का अगर विरोध करता है तो वो कानून शून्य हो जाएगा ऑटोमेटिक, जिस दिन 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू होगा ऑटोमेटिकली। समझिए बहुत इंपॉर्टेंट साथियों ये आर्टिकल है, ये समझ गए तो आप बहुत कुछ आप लोग समझ जाएंगे सम्मानित साथियों। ऐसा कोई भी कानून का मतलब उदाहरण मनुस्मृति वेद पुराण, ये जो चीजें हैं, ऐसा कोई भी कानून मनुस्मृति हो वेद हो प्राण हो ग्रंथ हो शास्त्र हो कोई भी हो, ऐसा कोई भी कानून जो पहले का बना हुआ हो, जो इस भारत देश के संविधान के 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ उससे पहले का बना हुआ कोई भी कानून जो इसका विरोध करता है पार्ट 3 का, ये आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है 14 के बारे में लिखा हुआ, पार्ट 3 के किसी भी आर्टिकल का, जैसे समानता का अधिकार, शास्त्र मना करते हैं समानता के, मनुस्मृति जैसे पढ़ने का अधिकार, मैंने कहा कोई भी अगर पढ़ने का अधिकार उस पढ़ने के अधिकार के खिलाफ है, मनुस्मृति में क्या लिखा है सबको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, वो विरोध करता है, वो राइट टू एजुकेशन का विरोध करता है, राइट टू इक्वालिटी का विरोध करता है, तो ऐसा कोई भी कानून जो विरोध करता है फंडामेंटल राइट का तो ये 26 जनवरी 1950 को ही शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे शास्त्र को शून्य घोषित कर दिया बाबा साहब ने। ये दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं हो पाया, दुनिया के किसी भी देश के किसी भी संविधान सभा के किसी भी सदस्य में ये हिम्मत नहीं हो पाई जो हिम्मत बाबा साहब ने पार्लियामेंट में बैठ करके खड़ा करके दिखाई, ऐसा कहीं नहीं हो पाया। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वहां के जो ग्रंथ हैं
वहां के जो शास्त्र है वो वहां के इसका वर्णन फंडामेंटल राइट का वर्णन नहीं करते थे, इसलिए ऐसा हुआ। और साथियों पहले के बने हुए कोई भी कानून शून्य हो जाएंगे, और संविधान को लागू होने के बाद भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो इस फंडामेंटल राइट के किसी भी आर्टिकल का विरोध करता हो। ये बात, ये यूनिक पर्सनालिटी बाबा साहब की थी जो प्रूफ करता है इस बात को, कहने की हिम्मत किसी और दूसरे के अंदर नहीं हो सकती के सम्मान साहब। ये बात बाबा साहब ने वहां पे जिक्र किया। जी सर, तो रिजर्वेशन ये हमने आपको पहले बताया कि मौलिक अधिकार है या नहीं, ये बात हमने आपको बताया कि पार्ट 3 फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार के चैप्टर में आरक्षण का जिक्र होना, स्थापित होना, उसमें यह बात प्रूफ होती है कि वो फंडामेंटल राइट है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन गलत है, ये वर्डेबल है, ये अगेंस्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे में इन लोगों को कोई डिसीजन लेना चाहिए, ऐसे जज को हटाना चाहिए पार्लियामेंट में, इसके लिए जो है अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसको हटाना चाहिए, रिमूव करना चाहिए, क्योंकि उसने अगेंस्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन बात कही है। और हमने आपको पहले बताया कि वो इसलिए वो फंडामेंटल राइट है क्योंकि वो फंडामेंटल राइट के चैप्टर में वर्णित है। तो साथियों हम आरक्षण के बारे में बताते हैं 2-4 मिनट में, उसके बाद अपनी बात को हम लोग समाप्त करेंगे। आरक्षण क्या है? रिजर्वेशन इन प्रमोशन एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन आरक्षण। साथियों आरक्षण का मतलब होता है कि एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन, सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। हमने पहले बताया, जो फुल साहू साहब ने बताया, सबको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। इसी के लिए साहब काशीराम जी ने भी कहा था कि जितने जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी संख्या है उतना उसको उसका हक मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया हमारे साथियों। ये इसको रिजर्वेशन बोलते हैं। रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मतलब होता है, ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मतलब ये होता है कि जो लोग प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन होगा, इस रिजर्वेशन का मतलब होता है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि सब जगह सब के सब में हिस्सा होना चाहिए। अगर किसी विभाग में कुछ लोग, किसी विभाग में कुछ लोग निचले पायदान पे सेकंड क्लास पे थर्ड क्लास पे भर्ती हुए हैं और वो लोग फर्स्ट क्लास पे सीटें खाली हैं, तो उनको एक्सपीरियंस के हिसाब से उस फील्ड की उस फील्ड की उनको उस विभाग की उनको जानकारी हो जाती है, तो उनको प्रमोशन करके ऊपर प्रमोट करना चाहिए जिससे कि एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन पहुंच सके, बराबर सबकी हिस्सेदारी पहुंच सके। उसके लिए रिजर्वेशन प्रमोशन को बनाया गया है सम्मानित साथियों, कि रिजर्वेशन तो होगा ही होगा, लेकिन प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन होगा, पद उन्नति में भी आरक्षण होगा। अगर फर्स्ट क्लास की सीटें कुछ मान लो 10-20 है वो वहां खाली है, तो उसमें से जो सेकेंड क्लास में जो भर्ती है आपका एम्प्लॉई, थर्ड क्लास में भर्ती है, उसका एक्सपीरियंस हो गया अपने फील्ड का, तो उस अपने विभाग का, तो उसका प्रमोशन करके धीरे धीरे फर्स्ट क्लास वाली पोस्ट पर ले जाया जाएगा, जिसका इन लोगों ने डिमोशन भी किया है, समाजवादी पार्टी ने भी ऐसा गलत काम किया था। करना उसके बिना संभव नहीं है। अगर एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन को हमको करना है, आरक्षण को पूरा करना है, तो इसके लिए हमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी करना बहुत जरूरी है, ये बात हमने यहां बताई। आरक्षण का कोटा उनके पास है, हमारे पास नहीं। उदाहरण रेल टिकट, इसको आप लोग समझ सकते हैं आरक्षण कहते किसे हैं सारे। ये छोटी सी बात बता करके हम अपनी बात को समाप्ति की तरफ लेकर के जाएंगे। जैसे एक रेल का टिकट है, वो रिजर्व टिकट है, रिजर्वेशन का टिकट है, एक रेल में रिजर्वेशन का टिकट है। आप रिजर्वेशन वाले टिकट से जनरल वाले डिब्बा में आप अप्लाई, आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जनरल वाले टिकट से आप रिजर्वेशन वाले डिब्बे में यात्रा नहीं कर सकते। इसका मतलब एक टिकट से आप जहां दो जगह आप यात्रा कर सकते हो, वो टिकट रिजर्वेशन का टिकट कहलाया जाता है। लेकिन भारत देश में यही बात पहले थी कि जनरल जो रिजर्व कोटे के लोग थे वो पहले रिजर्व कोटे में भी अप्लाई कर सकते थे, और वही लोग जो है जनरल में भी अप्लाई कर सकते थे, तो इसीलिए वो रिजर्व कोटे के लोग कहलाते थे। लेकिन अब क्या किया है मोदी जी ने, अब ये कहा कि रिजर्व कोटे के लोग जनरल वाले में अप्लाई नहीं कर सकते, इसका मतलब एक जगह ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो जनरल वाले लोग हैं वो जनरल वाले में भी अप्लाई कर सकते हैं, और रिजर्व कोटे के जो लोग हैं उनकी सीटें खाली दिखा करके, इनकॉम्पिटेंट मेंबर को दिखा करके कि यहाँ पे कॉम्पिटेंट मेंबर नहीं मिल पाए,
उन सीटों को वो जनरल सीटों से भी भर लेते हैं। इसका मतलब वो दो जगह अप्लाई कर सकते हैं। जैसे रेल के टिकट से आप जब दो जगह आप लोग यात्रा कर सकते हो तो वो टिकट रिजर्वेशन का कहलाता है। उसी प्रकार से अगर ये जो जनरल वाले जो लोग अपने आप को बोलते हैं वो जनरल में भी अप्लाई कर सकते हैं और रिजर्व वाले में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका मतलब वो रिजर्वेशन कोटे के लोग हैं, हम रिजर्वेशन कोटे के लोग नहीं हैं। ये बात जो है मोदी जी ने कही है, इसको बाकी आप लोग इसको समझ सकते हो। 10% का आर्थिक आधार पर आरक्षण देना, साथियों इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। 10% का जो आरक्षण जो अभी दिया था जिसपे माननीय बहन जी ने बॉल जो है उनके पाले में फेंक दी थी, उन लोगों ने सोचा था कि शायद जो है बहन जी जो है उनका विरोध करेंगी, फिर हम बताएंगे कि भाई ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के खिलाफ है, बोलती है सर्जन हिताय सर्जन सुखाए। लेकिन माननीय बहन जी ने उस गेंद को उनके पाले में फेंक दिया और ये कहा कि हम समर्थन करते हैं, क्योंकि आप वहां कुछ और कुछ कर भी नहीं सकते थे, अब उसके पक्षधर है भी, माननीय बहन जी उसके पक्षधर है भी, और इसीलिए माननीय बहन जी ने उनके पाले में फेंक दिया। इसको साथ इसको समझने की जरूरत है। 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया तो क्या इसको समझना है, तो क्या जो 10% आरक्षण जो आर्थिक आधार पर दिया गया है वे लोग क्या आर्थिक आधार वाले 10% आरक्षण को छोड़कर के, क्या वे लोग उसको छोड़कर के जो और कोटा है जो और जनरल वो है क्या वो उसमें अप्लाई नहीं कर सकता? कर सकता है। इसका मतलब क्या है, आर्थिक आधार पर जो लोग कमजोर के आधार पर जिनको 10% रिजर्वेशन मिला है वो अपने 10% वाले में भी अप्लाई कर सकते हैं और जनरल वाले में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, वो आदमी दो जगह अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को SC ST OBC को विन लोगों ने ये नियम बनाया है कि आप दो जगह अप्लाई नहीं कर सकते। दो जगह अप्लाई करना और केवल एक जगह ही अप्लाई करना, उन लोगों का दो जगह अप्लाई करना, हमारा केवल एक जगह अप्लाई करना, इस बात को प्रूफ करता है कि वो रिजर्व कोटे के लोग हैं और हम जनरल कैटेगरी के लोग हैं। वो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं क्योंकि वो दो जगह अप्लाई कर सकते हैं रेल के टिकट के हिसाब से, हम एक जगह कर सकते हैं तो हम जनरल के हैं, वे रिजर्व के हैं, लेकिन इस देश के अंदर उनको जनरल का घोषित किया जाता है, हमको रिजर्व का किया जाता है। ये साथियों आपको समझने की आवश्यकता है। जी सर, ये हमने आपको साथियों बात का और ध्यान दीजिए आप लोग, 10 साल के लिए नहीं था रिजर्वेशन, बल्कि ये बात कही गई थी कि 10 साल के अंदर अंदर एडुकेट रिप्रेजेंटेशन देना है। 16 में आपको आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में ये आपको पढ़ने को मिल सकता है, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा। ये नहीं कहा था बाबा साहब ने या संविधान सभा ने कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन देना है, बल्कि ये कहा था कि 10 साल के अंदर अंदर आपको इन समाज को पहुंचा देना है सरकार के प्रत्येक विभाग में उनकी प्रतिनिधित्व के आधार पर, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन उनको आपको पहुंचानी है। इसका मतलब यह है कि जब तक एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं पहुंचती है इस समाज की, समाज में बराबरी नहीं आती है, तब तक ये रिजर्वेशन जारी रहना चाहिए। ये बात संविधान सभा में कही गई थी। साथियों इस देश में रिजर्वेशन सीटों का तो विरोध होता है लेकिन मैनेजमेंट सीटों का विरोध नहीं होता। जो लोग ये कहते हैं कि रिजर्व कैटेगरी से चुने हुए लोग जो हैं वो अयोग्य लोग होते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं आज इस अपने प्रोग्राम के माध्यम से कि जब उनको वे लोग बोलते हैं कि वो रिजर्व कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो अयोग्य होते हैं, कम नंबर वाले होते हैं, तो मैनेजमेंट सीट पर जो लोग जाते हैं वो कौन से योग्य होते हैं? मैनेजमेंट सीट ज्यादा है इस देश के अंदर, रिजर्व के मामला जो है मुश्किल से लाखों में है, और मैनेजमेंट सीट इस देश में करोड़ों सीट इस देश में मैनेजमेंट की सीट है, जिनको सामान्य साथियों जिनका कोई विरोध नहीं होता, जिसके अंदर पैसे के दम पर उन सीटों को भरा जाता है, जो बच्चे एग्जाम में फेल हो जाते हैं उनको वे लोग सीट, उनको वो पैसे दे करके उस सीट को वो लोग लिया करते हैं। तो आरक्षण का तो विरोध होता है लेकिन मैनेजमेंट सीट का विरोध नहीं होता है, इस बात पर आपको सोचना पड़ेगा। अगर पीछे यहां बता दें, हाँ अगर आरक्षण से अयोग्य पहुंच जाते हैं ठीक है, मैनेजमेंट सीट से भी अयोग्य लोग होते हैं। जी सर, एडमिशन के समय आरक्षण को आरक्षण की आवश्यकता होती है, एग्जाम तो सबके बराबर होते हैं, मतलब जब आप प्रवेश करते हैं
तब आप में अगर देखा जाए तो नंबर की कमी होती है, लेकिन जब आप निकलते हो उस डिपार्टमेंट से, उस जिसमें आपने एडमिशन लिया है, जिस विभाग में MBBS में लिया है, IIT में लिया है, किसी में लिया है, एग्जाम तो सबका सेम होता है, मतलब बराबर होकर के निकलते हैं, आप इसको समझ सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग करना सभी सरकारी विभाग को प्राइवेट करने की स्वीकृति देने के समान है। ये लोग साथियों चालाकी के तहत इस काम को कर रहे हैं कि लोगों से कहलवा रहे हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर में आप लोग आरक्षण की मांग करो। मेरा ऐसा मानना है अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग करोगे तो फिर आपके सारे विभाग जो सरकार प्राइवेट करती जा रही है, सरकारी विभाग को जो सरकार प्राइवेट करती जा रही है, अब उसी प्राइवेट सेक्टर में आप आरक्षण की मांग कर रहे हो, इसका मतलब आप सरकार के द्वारा सरकारी विभागों को प्राइवेट करने की स्वीकृति दे रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आगे चल के साथियों जब ये रिजर्वेशन को समाप्त करेंगे, आरक्षण को समाप्त करेंगे, फिर आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट ये कहेगी कि सरकारी विभागों में आरक्षण की बात कही है, प्राइवेट में विभाग में आरक्षण की बात नहीं कही है, ये सारे प्राइवेट सेक्टर के डिपार्टमेंट हैं, इसका मतलब तुमको पूरी तरह से बाहर कर दिया जाएगा, ये उनकी प्रणाली है सम्मानित साथियों। इसके लिए SC ST OBC को समझना होगा। क्रिमिनल साथियों ये आप जानते हैं, इसका बड़ी चर्चा हुई थी एक बार आज से कुछ दिन पहले, हम अपनी बात को समाप्ति की तरफ लेकर के जा रहे हैं। क्रिमिनल अमीर को आर्थिक आधार पर बाहर करना, अमीर को, अमीर क्या है, जो पढ़ लिख करके किसी एम्प्लॉय नौकरी में लग गया, बिजनेस में आ गया, किसी भी चीज में आ गया, जो मजबूत आदमी है वो पढ़ाई की कीमत को समझता है, तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, कहीं भी पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है। तो साथियों अमीर लोगों को आर्थिक आधार पर, SC ST OBC समाज के अमीर लोगों को आर्थिक आधार पर बाहर करना, एम्प्लॉयमेंट से, नौकरी से, विभागों से बाहर करना, और गरीबों को सरकारी स्कूल में शिक्षा खराब करना, गरीब लोगों की सरकारी स्कूल में शिक्षा खराब करना, और अमीरों को आर्थिक आधार पर बाहर करना और गरीबों की शिक्षा खराब कर देना जिससे कि वो वहां तक पहुंच ही ना पाए। शिक्षा खराब कर दिया आप जानते हैं, मिड डे मील लगा दिया, सबको पास होने का वो दे दिया, मास्टर नहीं पीटेगा बच्चे को, ये सब चीजें हम जो बताते रहते हैं, तो एजुकेशन खराब कर दी, वहां पर लोरी सुनो, वहां पर भक्ति गीत सुनो और शांत अपने घर जाओ, पास तुम हो जाओगे। एजुकेशन सरकारी स्कूल में जहां गरीब बच्चे पढ़ते हैं वहां पर एजुकेशन खराब कर दी, जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी के लिए पहुंच नहीं पाएंगे, और जो अमीर बच्चे जो पढ़ सकते थे उनको जो है आर्थिक आधार पर बाहर कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इनको जो जागरूक है उनको आर्थिक आधार पर बाहर कर दिया, और जो कमजोर है उनकी एजुकेशन खराब करके बाहर कर दिया। इसका मतलब तुमको धीरे धीरे 100% बाहर कर दिया जाएगा और वे खुद को 100% अंदर कर लेंगे, ये इनकी प्लानिंग है सम्मानित साथियों। आरक्षण क्यों जरूरी है, जहां गैर बराबरी होगी वहां पर आरक्षण के बिना संपूर्ण देश का विकास संभव नहीं है, सभी वर्गों की भागीदारी के बगैर लोकतंत्र का कोई औचित्य नहीं है। ये आरक्षण आपका अमेरिका में और भी बहुत से देशों में अप्लाई है, जहां पर वो हमारे यहाँ एडुकेट रिप्रेजेंटेशन के नाम से जाना जाता है आरक्षण को, वहां पर डाइवर्सिटी सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जहां पर काले लोगों के भेद के हिसाब से काले लोगों को वहां पर आरक्षण है, यहां पर गैर बराबरी का जो आधार होता है उसी के हिसाब से ही आरक्षण दिया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से वहां पर रंग के आधार पर आरक्षण है, तो यहाँ पे जाति के आधार पर गैर बराबरी होने की वजह से यहाँ पे जाति के आधार पर आरक्षण है जो रहना चाहिए, इसलिए सम्मानित साथियों ये बात हमने आपके बीच में रखी। हम अपनी बात को समाप्ति की तरफ लेकर जा रहे हैं साथियों, निष्कर्ष ये साथियों समझना आपका बहुत जरूरी है। हमने आपको पहले बताया, हिस्ट्री बताई हम लोगों ने आपको, संविधान के बारे में बताया, ये आरक्षण मौलिक अधिकार है या नहीं वो बताया, आरक्षण के बारे में बताया, अब हम आपको निष्कर्ष साथियों हम आपको बता करके अपनी बात को समाप्त करते हैं। सम्मानित साथियों आरक्षण तो चाहिए लोगों को, आरक्षण तो चाहिए लेकिन कांग्रेस और बीजेपी से चाहिए, फुट नहीं आया, आरक्षण तो चाहिए लेकिन किससे चाहिए, कांग्रेस और बीजेपी से चाहिए। उदाहरण के लिए जाटों ने आरक्षण की मांग करी, आंदोलन चलाया हरियाणा के अंदर, उसके बावजूद भी बीजेपी को वोट दे दिया, बीजेपी से मांग करी, बीजेपी को वोट दे दिया, ये क्या है ये आपको समझने की बात है। राजस्थान में गुर्जरों ने आंदोलन चलाया, अपने आरक्षण के लिए गुर्जरों ने आंदोलन चलाया, जिनको जिन्होंने विरोध किया उन्हीं को वोट दे दिया, उन्हीं की सरकार बनी। तो सम्मानित साथियों वे इस बात को समझते हैं कि इन्हें आरक्षण तो चाहिए
लेकिन आरक्षण विरोधी पार्टी कांग्रेस बीजेपी से ही चाहिए। तो जो लोग खुद आरक्षण विरोधी हैं, तो क्या ओबीसी समाज के लोगों, जाट गुजर यादव लोधे कुलवी पटेल लोगों, पाल गडरिया बघेल और लोहार कुम्हार लोगों, क्या वे लोग आपको आरक्षण दे सकते हैं जो खुद आरक्षण के विरोधी हैं? वो नहीं दे सकते। इसलिए साहब कांशीराम जी ने कहा था कि आप जब तक मांगने वाले बने रहोगे तब तक तुम्हें मिलने वाला नहीं है। जब वोट तुम्हारे पास है तो अपनी सरकार आपको स्वयं बनानी होगी। इसलिए सम्मानित साथियों, इस बात का पूरा निचोड़ यह है, आप लोग अगर जब तक इन विरोधी लोगों से मांगते रहोगे तब तक तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों को अपने आरक्षण से, आरक्षण की जो सपोर्टिंग पार्टी है, जो बहुजन समाज पार्टी जिसकी नेता माननीय बहन जी है, जो आरक्षण की समर्थक है, जिन्होंने 10% आरक्षण गरीब लोगों के लिए भी पहले से मांग कर रही थी, बाद में वो अप्लाई भी हुआ। इसीलिए साथियों, आज अगर देखा जाए तो 95% समाज का नेतृत्व आदरणीय बहन जी कर रही हैं, माननीय बहन जी कर रही हैं। तो उनका नेतृत्व जब तक हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, ओबीसी समाज के लोग जब तक आरक्षण समर्थक पार्टी का वो नहीं करेंगे, अगर ओबीसी समाज के लोग अपने स्टेट स्टेट में ही सरकार बना भी लेंगे तो सेंटर में आपको दिक्कत आएगी। तो सेंटर की जो सबसे बड़ी तीसरे नंबर की जो पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी नेता आदरणीय बहन जी हैं, जब चाल चली थी उसमें ये कहा था कि नौकरी में आरक्षण है, एजुकेशन में आरक्षण नहीं है। जब बच्चा एजुकेटेड ही नहीं हो पाएगा तो नौकरी तक कहां पहुंच पाएगा। तो इसलिए सम्मानित साथियों, वो चाल उन्होंने चली, इसलिए देखा जाए तो खास कोई लाभ नहीं हो पाया। इसलिए ओबीसी समाज के लोगों, एससी समाज के लोगों, एसटी समाज के लोगों, माइनॉरिटी समाज के लोगों और अमीर समाज में से जो 10% गरीब हैं, आज मामला 15% बनाम 85% का नहीं है, आज मामला 5% बनाम 95% का है, जिस 95% की नेतृत्व माननीय बहन जी कर रही है। बाकी 5% का नेतृत्व टाटा बिरला डालमी अडानी अंबानी नितिन मोदी जितने भी जो लोग हैं, ये रामदेव पामदेव जो लोग हैं, इनका नेतृत्व जो है कांग्रेस बीजेपी कर रही है और बाकी 95% का नेतृत्व माननीय बहन जी कर रही हैं। तो मेरे नौजवान साथियों, मुख्य रूप से आपको हम लोग आगे भी कैडर चलते रहेंगे, अगले हफ्ते हम और बहुत अच्छा कैडर पॉइंट लेकर के आएंगे अगली बार। मेरा आप लोगों से निवेदन है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आप इसको सुने, इसका लाभ उठाएं। जो करेक्शन हो आप हमें बता सकते हो उसमें, अपने कमेंट्स में, आगे और अच्छा बेहतर हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। मैं पूरी टीम का फिर से आपको धन्यवाद करते हुए, हमने साथियों आरक्षण के ऊपर आपको सारी बातें बताई जो आप लोग उसको आपने देखा, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। समय का अभाव है, वरना यहाँ पर एक एक आर्टिकल के ऊपर एक एक दिन भी बोला जाए तब भी साथियों वो कम पड़ सकता है। हमें तो काफी आर्टिकल्स को हमने टच करने का हमने काम किया। कोई क्वेश्चन है कोई सर? हाँ कुछ जी क्वेश्चन है सर, एक हमारे साथी हैं कृष्ण चोपड़ा जी, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से। कृष्ण चोपड़ा जी का सवाल है, संविधान में बदलाव ना करके षड्यंत्र पूर्व सरकारी विभागों का निजीकरण किया जा रहा है, आरक्षण को समाप्त करने का हथियार बना दिया है, हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो सवाल क्या है, तो सजेशन है, ये सवाल नहीं है बल्कि उनका सजेशन है। बहुत अच्छा है, हम आपके इस बात का स्वागत करते हैं। तो इस प्रकार से कोई सवाल भी होगा उसका भी हम लोग जवाब देंगे, ये उनका सजेशन है, बहुत अच्छा लगा। और पूरे देश के नौजवान साथियों को इस बात को समझना चाहिए कि हमको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे ही लोगों में से नई नई पार्टी बनवाई जा रही है। जैसा कि आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले जानते होंगे, अभी हमारे जो दिल्ली में उसमें मध्य प्रदेश में जो हमारे एक साथी का जो बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस ने किया है, तो कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उसको हमें छोड़ करके अपनी ताकत बनानी चाहिए। वो नई पार्टी भी बनवाएंगे, हमको तोड़ने का प्रयास करेंगे, ये भी उसी बात का पार्ट है। इसलिए सम्मानित साथियों आपका धन्यवाद करते हुए, कोई और बात सर? आपका हम सबका पूरी टीम, हमारी मिशन काशीराम की पूरी टीम इसी प्रकार से काम करती रहे और समाज को जगाती रहे, और उत्तर प्रदेश में पांचवी बार सरकार बनाएंगे और हम लोग मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भी जाएंगे, बिहार के चुनाव में जाएंगे, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, आदरणीय बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे। ऐसी में आशा उम्मीद करते हुए सभी सामाजिक संगठनों से, सभी नौजवान साथियों से, सभी पुराने साथियों से कि आप लोग घर ना बैठ करके इस मूवमेंट को, इस पार्टी को, बहन जी को मजबूत करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अपनी वाणी को विराम देते हुए यहीं पर अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत।
जय कांशीराम, जय बसपा, धन्यवाद। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।